हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मेरा नाम है प्रतिभा शर्मा और आज की इस मैराथन क्लास में आप मेरे साथ अनुवांशिकी और पादप प्रजनन यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और उसके साथ साथ ही कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप मेरे साथ करने वाले हों ठीक है सो नेक्स्ट जितना भी अभी टाइम लगेगा हमें फोकस करना है कि हमारा सारा सिलेबस और सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लेट्स स्टार्ट द सेशन जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी तो हमारा पहला सवाल यहाँ पर द वर्ड एंटोमोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज ये जो एंटोमोलॉजी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है आपके ऑप्शंस है लेटिन भाषा से ग्रीक भाषा से स्पेनिश भाषा से या इंग्लिश से कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है तो जैसे कि आपका टेन डे सीरीज चल रहा था बी का उसमें हमने बहुत सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस और प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे तो अभी मैं प्रेफरेंस दूंगी सबसे पहले एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस को ठीक है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए यहां पर सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा मैं आपको याद करवाती रहती हूँ एंटोमोलॉजी किस पे शुरू शुरू हुआ है एंटोमोलॉजी और किस पे खत्म हुआ है जी पर खत्म हुआ है तो जी फॉर ग्रीक लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ है एंटोमोलॉजी शब्द ऐसे आप याद रख सकते हो और वो जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं वो जो दो शब्द हैं ग्रीक लैंग्वेज के वो हैं पहला शब्द है एंटोमोन जिसका मतलब होता है इंसेक्ट कीट और दूसरा है लोगस लोगस का मतलब होता है स्टडी तो एंटोमोलॉजी में आप क्या करते हो स्टडी ऑफ इंसेक्ट बहुत ही बेसिक लेवल का ये क्वेश्चंस है ठीक है तो हम स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन से ही चलेंगे बिल्कुल यहां पर सबका सही आंसर है चलिए आगे चलते हैं ये भी ध्यान रखना एंटोमोन शब्द का मतलब इंसेक्ट होता है लोगस का स्टडी होता है अगला सवाल इंसेक्ट्स बिलोंग टू विच फाइलम जो ये कीट होते हैं उनका फाइलम कौन सा है समुदाय कौन सा है उनका ऑप्शन बी इंसेक्टा सी आर्थ्रोपोडा या डी डिप्लोपोडा कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं जल्दी से बता दीजिए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो हमारे पास शैलेन्द्र गलत हो गया आंसर हम्म शुभांकित इंसेक्टा बताऊ में क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम मैंने बी ऑप्शन इसीलिए रखा था कि तुम कंफ्यूज हो जाओ और अगर एग्जामिनर ने भी रखा तो कंफ्यूज हो जाओगे इंसेक्टा जो होती है वो क्लास है वो क्या है वो वर्ग है क्लास है ठीक है क्लास हमने पूछा है फाइलम कौन सा है समुदाय किस समुदाय के अंतर्गत ये आते हैं तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा ठीक है ये जो आर्थरोपोडा शब्द है ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है आर्थरोपोडा भी ग्रीक लैंग्वेज का ही शब्द है और इसका मतलब क्या होता है आर्थरो, आर्थरो का मतलब होता है ज्वाइंटेड ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है पैर यानी लेग्स तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी टांगे ज्वाइंटेड होती हैं जुड़ी हुई होती हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर रखा जाता है ठीक है आपको मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जैसे बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं ठीक है बहुत सारे प्लैनेट्स में हमारी पृथ्वी भी है अर्थ भी है अब इस पृथ्वी पर बहुत सारी कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं देन डिस्ट्रिक्ट्स हैं ब्लॉक हैं सिटीज हैं विलेजेस हैं तो वैसे ही एक एनिमेलिया किंगडम होता है बहुत बड़ा किंगडम एनिमल्स का हम भी उसी में आते हैं इंसेक्ट भी उसी में आते हैं उस किंगडम का जो फाइलम है, उसमें seven classes आती हैं। उन seven classes में से इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ी क्लास है, है ठीक सबसे सबसे बड़ी क्लास, सबसे बड़ा वर्ग जो फाइलम है, है इंसेक्टा को भी कहा जाता है इनकी लेग्स जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन छे होती हैं, यानी तीन जोड़ी पैर होते हैं छे टांगे होती हैं। इसके अलावा अरेकनीडा भी एक क्लास है आर्थ्रोपोडा फाइलम की चलिए आपको यह क्लियर कर दिया जाएगा आपका एक टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन है ना आपका जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है जो कि आपके बिहार बीओ के सिलेबस का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट उस क्लासिफिकेशन में हमें देखना है कि उसका एक तो किंगडम पता होना चाहिए कि कौन से किंगडम से है ये एनिमेलिया से है एक इसका फाइलम पता होना चाहिए कि कौन से फाइलम से है आर्थ्रोपोडा फ़ाइलम से है आर्थ्रोपोडा उसके बाद कौन सी क्लास से है तो इंसेक्टा क्लास से है इंसेक्टा और इसी इंसेक्टा क्लास को क्या बोला जाता है Hexapoda भी कहा जाता है क्या कहा जाता है Hexapoda, यानी हेग्जा मतलब छे पोडा मीन लेग्स सिक्स लेग्स ओके okay जी इतना समझ में आ गया यस yes. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करवा भी चुकी हूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है किसकी क्लासिफिकेशन सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है किसकी जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण है सबसे ज्यादा पसंद किया गया था या एक्सेप्ट किया गया था ठीक है तो वो है एडी इम्स कौन है ए डी इम्स ठीक है अब ये जो एडी इम्स हैं, ये फादर ऑफ एंटोमोलॉजी नहीं है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है विलियम विलियम फादर ऑफ एंटोमोलॉजी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है देन ऑर्डर्स आते हैं ऑर्डर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं अभी मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगी और ऑर्डर्स भी आपको लर्न करवा दूंगी ठीक है चलिए तो यहां पर सी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का व्यापारिक नाम क्या है ऑप्शंस आर ए रॉगर बी थायोडन सी थीमेट या डी सेल्फोज तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ट्रेड नेम यानी मार्केट में किस नाम से बिक रहे हैं ठीक है मार्केट में किस नाम से बिक रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए ट्रेड नेम्स पता होने चाहिए व्यापारिक नाम पता होने चाहिए अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की बात करें तो उसका व्यापारिक नाम क्या होता है बिल्कुल सेल्फॉस हो जाता है डी इज द राइट आंसर लिख लो इसको ये इंपॉर्टेंट है ओके इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल मेजर शुड बी अडॉप्टेड मतलब जो कीट नियंत्रण है वो कब किया जाना चाहिए कब करते हैं हम एक्शन कब लेते हैं तो ऑप्शंस हैं आफ्टर ई आई एल EIL के बाद बी है एट ई टी एल ई टी एल के टाइम पर सी है एट ई आई एल इकोनॉमिक इंजरी लेवल के टाइम पर या डी इज आफ्टर ई टी एल आफ्टर ई टी एल अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ई आई एल क्या है और ETL क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं कई बार एग्जाम में एज सच डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है परिभाषा पूछ ली जाती है कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या है यहां पर सबका आंसर सही है वेरी गुड uh, सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी ई e टी एल ठीक है तो समझेंगे कि ई आई एल और ई टी एल क्या होता है ठीक है मान लिया ये एक ड्रम है ये क्या है ड्रम है और आप सब खेलेंगे अभी खतरों के खिलाड़ी ठीक है तो क्या करना है आपको ये है ड्रम आपको ना ड्रम में बंद कर दिया गया है आपको ना ड्रम में बंद कर दिया गया है ठीक है अब आपको बोला गया है कि आपका कंपटीशन है कि आप कितने समय तक इस ड्रम में रह सकते हो और ड्रम के अंदर घुस रहा है पानी पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ठीक है अब ये वो जगह है जब आपका पानी जो है वो नाक के ऊपर चला गया है तो अब आपको पता है कि अब आपने अगर एक्शन नहीं लिया मतलब कुछ किया नहीं तो भाई आपकी हालत टाइट हो जाएगी और आप, आपको इंजरी हो सकती है आपको नुकसान पहुंच सकता है ठीक है तो आप यहां पर क्या करोगे फटाक से ढक्कन खोलोगे है ना कुछ लोग यहां खोलेंगे कुछ लोग यहां पे खोलेंगे और यहां से बोलेंगे बाहर निकालो और बाहर निकल जाओगे तो वो लेवल ठीक है वो लेवल जहां पर आपको एक्शन लेना यानी कंट्रोल करना है ताकि आप ई तक ना पहुंच जाओ उस लेवल को कहते हैं ईटीएल यानी थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड लेवल इसे आप इकोनॉमिक एक्शन लेवल भी कहते हो जहां पर आप कीट का नियंत्रण करते हो मान लिया आपको किसी ने बताया है कि आपकी फसल में अगर तीस एफिड लग गए ठीक है पर हंड्रेड कंपाउंड लीव जो है तीस एफिड लग गए तो आपकी क्रॉप खत्म है आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचेगा तो आप क्या करोगे जैसे ही बीस तक पहुंचेगा मामला आप यहां पर कंट्रोल करोगे ठीक है तो ये दोनों क्या है पहली पेस्ट पॉपुलेशन जब एक्शन लेना है ई आई एल इज पेस्ट पॉपुलेशन जो आपकी फसल को आपकी क्रॉप को इंजरी पहुंचाएगी आर्थिक नुकसान पहुंचाएगी समझ गए चलो हां जी तो बिल्कुल जब ईटीएल होता है उसी पे आप कंट्रोल करते हो सबका आंसर सही था अगला सवाल देखिए यहां पर फॉलोइंग स्टेज इज absent इन in इनकम्प्लीट metamorphosis, जो अपूरण कायांतरण है उसमें से कौन सी कौनसी अवस्था जो है उपस्थित नहीं होती है तो ऑप्शन है एग लार्वा प्यूपा या एडल्ट बताइए आंसर बताओ जल्दी से आयरन मैन और स्पाइडरमैन बाद में बनना और डोरेमोन भी बाद में बनना एग्जाम के बाद सब कुछ बन लेना ठीक है यस So, सही आंसर क्या आ जाएगा यहां पर हुँ? बिहार बीएओ की क्लासेस है ये ना बिहार बीएओ की हां जी बिल्कुल सही सबका आंसर सही है सी प्यूपा जो है वो नहीं होता है इनकम्प्लीट मेटामोर्फिसिस में यानी अपूरण कायांत्रण में अगर हम मेटामोर्फिसिस की बात करते हैं ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिस राइट चलिए मेटामोर्फिस के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता देती हूं तो ये जो आपका कायांतरण है यानी मैटामोरफिस है ये दो टाइप की होती है एक होती है कंप्लीट कंप्लीट पूरे तरीके वाली और एक होती है इनकम्प्लीट यानी आधी अधूरी ठीक है आधी अधूरी सबसे पहले जानेंगे कि मैटामोरफिस क्या होता है मेटा का मतलब और ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है अपना एक इंसेक्ट है जो लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है अदरवाइज आर्थ्रोपोडा एंटोमोलॉजी मेटामोर्फिसिस ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं तो मेटामोर्फिसिस का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म चेंजेस इन द फॉर्म यानी जो आकृति है उसमें बदलाव आता है आकृति में बदलाव आता है कैसे पहले अंडा हुआ करता था अंडे से हैचिंग हुई और लार्वा बन गया लार्वा के बाद ये प्यूपा बन गया और प्यूपा के बाद ये एडल्ट बन गया ठीक है एडल्ट बन गया इस एडल्ट ने फिर से एग दिया तो देखो आकृति कैसे चेंज हो रही है हर स्टेज में अंडा कैसा था लार्वा कैसा हो गया प्यूपा कैसा हो गया और बटरफ्लाई कैसी हो गई तो ये जो बदलाव आ रहे हैं ये जो चेंजेस आ रहे हैं इन्हें कहते हैं मेटामोरफिसिस अगर ये चेंजेस में चारों की चारों अवस्थाएं आ रही हैं एग लार्वा प्यूपा प्यूपाइडर तो वो आपकी कंप्लीट मेटामोरफिसिस है कंप्लीट मेटामॉर्फिस को हॉलो मेटाबॉलिक भी कहा जाता है हॉलो मेटाबोला भी कहा जाता है हॉलो का मतलब कंप्लीट होलो का मतलब होता है कंप्लीट एच ओ एल ओ वाला ये होल नहीं है छेद वाला होल नहीं है एच ओ है होलो मतलब कंप्लीट अब ये जो इनकम्प्लीट है उसमें सिर्फ थ्री स्टेजेस होती हैं और आपने बता दिया कि भाई प्यूपा एबसेंट होता है सीधी सी बात है प्यूपा जो है वो एबसेंट होता है अब जो इनकम्प्लीट मेटामोर्फिस है उसमें भी फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका है अ मेटाबोला अ मेटाबोला हैमी मेटाबोला हैमी मेटाबोला और पारो मेटाबोला पारो मेटाबोला ठीक है अ मेटाबोला में पता क्या होता है कि चेंज ही नहीं होता कुछ अ मतलब ए लग गया पीछे मतलब एब्सेंट, एब्सेंट, नो मेटामोर्फिस कोई बदलाव ही नहीं आते आकृति में बदलाव कहां पर आता है साइज में बदलाव आता है जैसे सिल्वर फिश अब सिल्वर फिश एक मछली नहीं होती है सिल्वर फिश जैसे बुक में सिल्वर सिल्वर सा एक छोटा सा ऐसे कीट होता है ना इंसेक्ट होता है जो आप स्टोर में बड़े टाइम के लिए अगर अपनी नोटबुक्स रख दो पुरानी नोटबुक रद्दी में तो वहां पर बुक्स के अंदर से एक कुछ निकलता है है ना वो जो सिल्वर सिल्वर सा होता है उसे कहते हैं सिल्वर फिश था ऑर्डर का होता है इंसेक्ट होता है तो वो क्या होता है जैसा वो छोटे होते होता है वैसे ही वो बड़े होते होता है बस उसका साइज बढ़ता जाता है कुछ चेंजेस नहीं आते जैसे हम हैं हमें ऐसा तो नहीं होता ना कि बचपन में हमें हमारे पर नहीं होते और बड़े होकर हमारे पर लग जाते हैं नहीं होता ना हमारा सिर्फ साइज़ बढ़ता रहता है हर चीज का साइज बढ़ता है ठीक है तो अ मेटाबोला मतलब नो मेटामॉर्फिस ओनली साइज इंक्रीज सिल्वर फिश में होता है हैमी मेटाबोला हैमी मेटाबोला में होता है ड्रैगन फ्लाई ठीक है जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो हैमी मेटाबोला का एग्जाम्पल है और उसमें क्या होता है कि उसके जो बेबीज होते हैं लार्वा होते हैं छोटे वो एक्वेटिक होते हैं वो पानी में रहते हैं और जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो वो फिर उड़ने लगते हैं ठीक है ठीके? पारो पारो का मतलब है धीरे धीरे ग्रेजुअल बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर या कॉकरोच में ठीक है ये जो आपका ग्रास हॉपर होता है टिड्डा होता है कॉकरोच होता है तिलचिट्टा होता है उसमें ना बहुत धीरे धीरे बदलाव आते हैं पता ही नहीं चलता कब छोटे से बड़ा हो गया ठीक है तो इसे कहते हैं पारो मेटाबोला और ये तीनों के तीनों आते हैं इनकम्प्लीट मेटामोसिस में तीन स्टेजेस के साथ क्लियर हो गया चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं लार्वा ऑफ ऑर्डर कॉलियोप्ट्रा इज नोन एज जो कॉलियोप्ट्रा गण है या कॉलियोप्टेरा गण है उसके जो लार्वा होते हैं वो जो बच्चे होते हैं एग के बाद उन्हें क्या कहा जाता है तो कीटों में जो लार्वा होते हैं उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि हमारे यहाँ पर भी छोटे बच्चे होते हैं ना कोई उनको बालक बोलता है कोई बेटा बोलता है कोई मुन्ना बोलता है कोई बच्चा बोलता है कोई बाबू बोलता है कोई टावर बोलता है है ना बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं वैसे ही कीटों में भी अलग अलग नाम होते हैं तो पूछा गया है जो कॉलियोप्टेरा ऑर्डर है यानी जो बीटल होते हैं भ्रिंग होते हैं वीविल्स होते हैं उनके लार्वा को क्या कहा जाता है मैगेट्स कैटरपिलर या ग्रब बहुत सारे मुझे सी दिख रहे हैं जो कि गलत है सही आंसर डी है है ना क्या हो गया तुम्हें डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा चलो आपको लिखवा देती हूं याद रखोगे सबसे पहले मैगेट्स मैगेट्स किसके लार्वा को कहा जाता है तो मैगेट से याद रखोगे दो मिनट में अभी बनाती मैगी 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 ठीक है तो मैगी से याद रखना है दो और दो को कहते हैं डाए डाय का मतलब होता है दो ठीक है तो डायपटेरा पटेरा ठीक है यहाँ पे जो डाइपटेरा है यानी जो मक्खी होती है घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई फ्रूट फ्लाई इनमें या मॉस्किटो इनके जो लार्वा होते हैं उन्हें मैगेट्स कहा जाता है मैगेट से याद रखना मैगी मैगी और दो मिनट में डाई तो हाउस फ्लाई में फ्रूट फ्लाई में मैगेट्स कहा जाता है उसके बाद निम्फ जो निम्फ होते हैं वो हेमिप्ट्रा ऑर्डर के होते हैं यानी जो सफेद मक्खी है या बग है या एफिड्स हैं या हॉपर्स हैं लीफ हॉपर उन सब के जो बेबीज होते हैं लार्वा होते हैं उनको निम्फ कहा जाता है इवन कॉकरोच और ग्रास हॉपर के यानी जो तिलचिट्टा और टिड्डा होता है ना उसके छोटे बच्चों को उसके लार्वा को भी निम्फ कहा जाता है ठीक है उसके बाद कैटरपिलर जो तुम सी 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 कर रहे थे ना कैटरपिलर तो सिर्फ जो तितली होती है और ततैया होती है यानी बटरफ्लाई और मौत बटरफ्लाई और मौत के जो लार्वा होते हैं उनको कहा जाता है कैटरपिलर तितली एंड ततैया उनके लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर द राइट आंसर वुड बी ग्रब ग्रब कहा जाता है भृंग के लार्वा को ओके okay, इसके अलावा एक और है दैट इज नाइड्स ठीक है नाइड्स नाइड्स किसके लार्वा को कहा जाता है ऑडोनेटा यानी ऑडोनेटा में कौन आती है आपकी ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई जिसको आप गांव में वो हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर वो ऐसे लंबा सा होता है हेलीकॉप्टर तो उसके जो लार्वा होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं उनको नाइड्स कहा जाता है और ये जो नाइड्स होते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया एक्वेटिक होते हैं यानी ये पानी में रहते हैं कहां पर रहते हैं पानी में रहते हैं ठीक है अब अगला सवाल देखें चलिए अगला सवाल देखते हैं सिमरन देखिए एमसीक्यूज में में आपको करा रही हूं एक एमसीक्यू है उसके ऑप्शंस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि बाकी ऑप्शंस में से क्या क्या क्वेश्चन बने वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊं फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा है कोलियोप्ट्रा ऑर्डर के लार्वा को क्या कहते हैं हो गया ग्रब है ना तो मार लिया रट्टा लेकिन तुम्हें कॉलिओप्ट्रा का ना पूछ के तुम्हें डिप्ट्रा का पूछा तो अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैगेट्स जो हैं वो डिप्ट्रा के ऑर्डर को कहते हैं ठीक है अगर मैं नहीं बताऊंगी बटरफ्लाई के ऑर्डर को कैटरपिलर कहते हैं और ड्रैगन फ्लाई के नाइट्स कहते हैं तो एग्जामिनर में मेरे चाचा जी थोड़ा ना लगते हैं कि वो सिर्फ कॉली डालेंगे क्योंकि मैंने मैराथन में कॉली ऑप्ट्रा कराया हाँ सारी चीजें जरूरी है चलिए अच्छा डीपा एक्ट जो है वो कब पास हुआ था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जो है वो आ, कब पास हुआ था सबका आंसर सही है भाई 1914 में पास हुआ था ठीक है चलिए अगला सवाल इज द ट्रेड नेम ऑफ डायमिथोएट डायमिथोएट का ट्रेड नेम क्या है उसका व्यापारिक नाम क्या है ऑप्शन रॉगर बी वासुडीन सी मेटासिस्टॉक या डी एजोड्रिन बताइए हम्म बताइए बताइए जल्दी से ट्रेड नेम ऑफ डायमिथोट द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज रॉगर क्या कहा जाता है बिल्कुल मधुरिमा सौरभ सही आंसर है रॉगर इट इज अगला सवाल देखिए अगला सवाल है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम याद रखना इंसेक्ट का पूछा होगा फीचर तो कुछ और आंसर आएगा यहां पे आर्थ्रोपोडा का फाइलम का फीचर पूछा है तो क्या हो जाएगा संग आर्थ्रोपोडा की मुख्य लक्षणिक विशेषताएं बताइए क्या उसमें बाहरी कंकाली परत खंडी भवन और एक जोड़ी एंटीना होता है यानी मम्मी मैंने आंसर बता दिया मैंने आगे इंग्लिश में रखा है कोई बात नहीं बता देती हूँ क्या उसमें मतलब बाहरी कंकाली एक्सोस्केलेटन होता है क्या उसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है क्या उसमें एक पेयर वन पेयर ऑफ एंटीना होता है सेकेंड क्या उसमें काइटिनस वही कंकाल यानी काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है क्या उसमें जो है वो खंड खंडी भवन सेगमेंटेड बॉडी होती है और जुड़ी हुई टांगे यानी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं तो भाई जिसने भी ए लिखा है वो चकमा खा गए हम्म चकमा खा गए एक जोड़ी एंटीना हर आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है जिसने भी ए आंसर किया है ना आपसे आर्थ्रोपोडा फाइलम का फीचर पूछा है इंसेक्टा का नहीं आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स अभी अभी बताया आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है आर्थरोड लेग्स तो जहां पर एक्सोस्केलेटन तो होता ही है सेगमेंटेड बॉडी भी होती है लेकिन जुड़ी हुई टांगे ये दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्वाइंटेड लेग्स तो बी आंसर यहां पर सही होगा कौन सा आंसर सही होगा बी आंसर हर आर्थरो का एंटीना वन पेयर नहीं होता है तो ये वन आंसर सही नहीं होगा डी भी आंसर सही नहीं होगा चलिए आगे ये था आपका इंग्लिश में यह आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इंग्लिश वालों के लिए काइटिन वगैरह वगैरह अगला सवाल है ये तो आपने कर लिया ना ठीक है अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टेमिक कीटनाशी है सो बी एच सी मेलाथियोन एंडोसल्फान या फॉस्फोमिडान तो आपको बताया गया है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो सिस्टम में जाते हैं पूरे प्लांट के सिस्टम में कॉन्टेक्ट होते हैं जो सिर्फ जहां पर फेंका है वहीं पर इस्तेमाल होगा तो कौन सा है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जल्दी से बता दो यस द राइट आंसर इज बी मेलाथियोन इज अ अस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ठीक है ऐसे याद रखना इसको लिख लो इंपॉर्टेंट चीजों का लिख लो अगला सवाल मेलोचिनस सेक्समाक्यूलाटा इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ ये जो क्यूलाटा uh, जो है इसका प्रयोग किसके जैव नियंत्रण के लिए किया जाता है तो क्या uh, जैव नियंत्रण मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल सबको पता है बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होते हैं जब हम नेचुरल एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफको के एग्जाम में आया था कि जब हम नेचुरल एनिमल्स का यूज करते हैं राधर बी इट प्रिडेटर्स पैरासीटोइड ठीक है तो उनको उस मेथड को क्या कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है थ्रिप्स के लिए टोबैको यानी तंबाकू के कैटरपिलर के, के लिए व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी के लिए या एफिड्स एंड मिलीबर्ग के लिए किसके लिए किया जाता है सबसे पहले ये जो मिनोचिलस है ये किसका साइंटिफिक नेम है लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम है तो ये जो तुम तुक्के लगा रहे हो ना सबका देखकर वो सबका गलत हो गया है जो आ, ये जो स्पीशीज है लेडी बर्ड बीटल की ये एफिड को प्रीडेट करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि लेडी बर्ड बीटल क्या है क्या ये एक पैरासाइट है क्या ये एक प्रीडेटर है या एक पैरासिटॉइड है तो लेडी बर्ड बीटल क्या है इट इज अ प्रीडेटर क्यों है ये प्रिडेटर क्योंकि प्रिडेटर का साइज अपने होस्ट के अपने शिकार के साइज से आकार से बड़ा होता है तो लेडी बर्ड बीटल एफिड और मिली बग जो है उसको खाती है उसका नेचुरल मतलब हम हाँ इसका नेचुरल एनिमी हमारा तो दोस्त है ठीक है चलिए अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्टिसाइड ऑल्सो हैव अकेरीसाइडल प्रॉपर्टीज मतलब माइट्स को भी मारता है एंड एंट हेल्मिक कंपाउंड ठीक है मतलब जो भी आपके निमाटोड uh, होते हैं माइट्स होती हैं इंसेक्ट होते हैं सबको ही मार देता है कौन है वो इंसेक्टिसाइड तो ऑप्शन है अवेर मैक्टिन या एक्डाइस स्टीरोइड या ऑर्गेनोक्लोरिन या ग्रीन कौन है वो बताइए हम्म जल्दी 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 अच्छा छोड़ो यार सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले ठीक है अभी नहीं करना तो चलेगा अभी तुम पढ़ने में बिजी हो ठीक है कर देना लाइक ओके हाँ उसी की हाँ कॉक्सी नेला भी होता है उसी की एक स्पीशीज भी है ठीक है लेडी बर्ड बीटल की ही स्पीशीज है उसी का वेरिएंट है आपको जो मैंने डायग्राम दिखाई उसमें गोलू गोलू नहीं है जो कॉक्सीनेला है ना दैट इज गोलू गोलू वाला ठीक है वो जो स्पीशीज होती है उसमें डॉट 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 होते हैं काले काले से इसमें आपने देखा होगा थोड़ी धारियां धारियां सी होती हैं तो ये लेडी बर्ड बीटल का ही एक वेरिएंट है ओके okay, जी चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है द राइट आंसर इज सी ऑर्गेनोक्लोरिन ठीक है ऑर्गेनोक्लोरिन इसके अलावा ये जो एक्डाइस्टीरोइड है इट इज रिलेटेड टू मोल्टिंग इट इज रिलेटेड टू मोल्टिंग मोल्टिंग को एक्सिस भी कहा जाता है एक्डाइसिस और मोल्टिंग हार्मोन को कहा जाता है एक्डाइसोन तो यहां से भी आपके ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले कि मोल्टिंग क्या होता है मोल्टिंग इज द सेपरेशन ऑफ द ओल्ड स्किन या रिमूवल ऑफ द ओल्ड स्किन फ्रॉम द बॉडी ठीक है जो क्यूटिकल रिमूव हो जाती है श्रेड हो जाती है उसे मोल्टिंग कहते हैं मोल्टिंग का दूसरा नाम एक्डाइसिस है मोल्टिंग हार्मोन जो है उसे कहते हैं एक्डाइसोन ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट कॉजेज शॉर्ट होल डैमेज शॉर्ट होल सिम्टम्स या शॉर्ट होल डैमेज प्रो छिद्र क्षति कौन सा कीट उत्पन्न करता है सो so, ऑप्शन है uh, निम्बुला डाई पंक्तालीस क्वान्टिनिया सोर्गी कोला माई सेपरेटा या चिलो या कालो पार्टेलस तो आपको जब मैं डेली क्लासेस में बताती हूँ कि कई बार एग्जामिनर कॉमन नेम्स नहीं रखता है साइंटिफिक नेम्स पे गेम प्ले करते हैं ठीक है तो आपको साइंटिफिक नेम मेजर मेजर क्रॉप्स के आने चाहिए जैसे आपको याद करवाया गया है कि चिलो पार्टेलस क्या होता है जब आप चिल कर रहे होते हो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे होते हो तो उस टाइम पर आप पॉपकॉर्न खाते हो पॉपकॉर्न किससे बनता है मक्का से मेज से तो मेज के स्टेम बोरर को कहते हैं चिलो पार्टेलस और ये जो चिलो पार्टेलस है यही शॉर्ट होल्ड डैमेज कॉज करता है मेज में इसके अलावा माइ थेमना सेपरेटा आर्मी वालों के टुवर्ड्स एक मिथ होती है एक धारणा होती है कि उनको अपनी फैमिली से सेपरेट रहना पड़ता है जो कि कुछ हद तक ठीक भी है बहुत सारे जो आर्मी वाले होते हैं उनको अलग भी रहना पड़ता है लेकिन ऑल्टरनेट चलता रहता है फील्ड पोस्टिंग फैमिली पोस्टिंग फील्ड पोस्टिंग फैमिली पोस्टिंग, पोस्टिंग तो मिथ मिथ समझ लेंगे सेपरेट रहना पड़ता है ठीक है तो ये आर्मी वॉर्म का नाम है ये मैंने इतनी कहानी क्यों सुनाई क्योंकि आर्मी वॉर्म का नाम है आर्मी वालों के टू वर्ड मिथ है कि सेपरेट रहना पड़ता है तो आर्मी वॉर्म का साइंटिफिक नेम है चिलो पार्टेल बता दिए तुम्हें चिल करते हो मेज मक्का का पॉपकॉर्न खा के मेज टेम्प बोरर ठीक है ये स्वर्गी कोला ये, ये आपका सोर्गम मिज है ठीक है तो डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा अगला सवाल एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज अ एल्युमियम फॉस्फाइड क्या है वट इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या ये एक वीडी साइड है यानी खत खर, खर पतवार को मारने वाला या नाशी क्या एक रोडेंटी साइड है चूहा नाशी क्या एक निमेटी साइड है निमाटोर्स नाशी क्या वो एक फंजी साइड है यानी कवक नाशी बताइए हम्म बताइए बताइए जल्दी से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है वो क्या है अः ये क्लास जो है बिहार बी के लिए है है ना जो अभी बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है ओके बिहार वालों चलिए सो तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है एक रोडेंटी है यहां से रोडेंटी से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कल भी बताया था जो आपका रोडेंट्स वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस में जो नॉन इंसेक्ट पेस्ट है एक आपके सिलेबस में टॉपिक है नॉन इंसेक्ट पेस्ट क्या सिलेबस में टॉपिक है नॉन इंसेक्ट पेस्ट उसमें वन ऑफ द नॉन इंसेक्ट पेस्ट इज रोडेंट्स रोडेंट्स क्या होते हैं जिसे आपकी फसलों को चूहे भी नुकसान पहुंचाते हैं खरगोश रैबिट्स नुकसान पहुंचाते हैं गिलहरी नुकसान पहुंचाती है तो ये सब रोडेंट्स में आते हैं रोडेंट्स को जो किल करें उन्हें रोडेंटिसाइड कहा जाता है रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है रोडेंटिसाइड दो टाइप के होते हैं कौन कौन से पहला होता है सिंगल डोज सिंगल डोज और दूसरा होता है मल्टीपल डोज मल्टीपल डोज ऐसे रोडेंटिसाइड जो एक ही डोज में काम तमाम कर दें दैट इज जिंक फॉस्फाइड जिंक फॉस्फाइड ठीक है और इस मल्टीपल के एम को उल्टा करो डब्ल्यू वारफेरिन वारफेरिन इज मल्टीपल डोज इसका शॉर्ट uh, एक्सपोजर इसको एक्यूट पॉइजन कहते हैं इसे क्या कहते हैं एक्यूट पॉइजन यानी कम डोज में ही आपका काम तमाम हो जाएगा चूहों का तो, तो दैट इज सिंगल डोज मल्टीपल डोज मतलब बहुत ज्यादा डोजेस देनी पड़ेंगी वारफेरिन फिर इन ओके चलिए अगला सवाल फ्रूट फ्लाई लेड एग कहां पर जो फल मक्खी है वो अंडे कहां पर देती है ऑप्शन आर इन साइड द स्टेम फलों के ऊपरी नहीं इन साइड द स्टेम मतलब यहां पे हो जाएगा तनों के अंदर ठीक है वाई मेकिंग होल्स ऑन द सॉफ्ट सरफेस ऑफ द फ्रूट फलों की मुलायम सतह पर छिद्र शिद, बनाकर या छेद बनाकर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ पत्ते के ऊपरी सतह पर या ठीक uh, है दो दो बार हो गया या नन ऑफ दिस नन ऑफ दीज कहीं और ही देती है बताइए बता दो फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी कहां पर एग देती है बिल्कुल बी आंसर जिन्होंने भी किया है वो सही है तो जो फल मक्खी है वो क्या करती है पहले होल्स बनाती है फ्रूट्स के सॉफ्ट उस पर और फिर वहां पर एगले करती है ठीक है तो बी आंसर सही हो जाएगा अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकोमेंडेड फॉर टर्माइट कंट्रोल टर्माइट मतलब दीमक इसे वाइट एंट भी कहा जाता है तो ये जो टर्माइट कंट्रोल के लिए कौन सा रिकोमेंडेड है यहां से क्लोर पायरोफॉस मेलाथियॉन या एंडोसल्फान या फॉस्फोमिडान कौन कंट्रोल करता है दीमक को तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा हम्म ओके अनुज ने आंसर कर दिया है उसके अलावा आंसर शुभम कुशवाहा का सही है वेरी गुड वेरी गुड अनमोल का भी सही है तो क्लोर पाइरोफॉस लिख लो टर्माइट के लिए हम क्लोर पाइरोफॉस यूज करते हैं टर्माइट में से एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कीट है ऐसा कौन सा पेस्ट है जो सभी पार्ट्स को खा जाता है सभी प्लांट्स को खा जाता है सभी प्लांट्स के किसी भी पार्ट को खा सकता है टर्माइट से टर्माइट जो है वो आइसोप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करती है आइसोप्ट्रा ऑर्डर मतलब इनके जो विंग्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इनके जो पंख होते हैं आगे पीछे वाले वो इक्वल होते हैं इसके अलावा टर्माइट्स को व्हाइट ऐन्ट्स भी कहा जाता है एक और क्वेश्चन बनता है कि जो टर्माइट की क्वीन होती है यानी क्वीन टर्माइट क्वीन टर्माइट उसे एग लेइंग मशीन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एग लेइंग मशीन अंडा देने वाली मशीन ठीक है ये 24 घंटे में 70000 से 80000 तक के नंबर ऑफ एग्स देती है कितने अंडे देती है चौबीस घंटों में सत्तर हजार से अस्सी हजार अंडे देती है ठीक है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसके अलावा टर्माइट इज अ पॉलीफेगस पेस्ट यानी पॉलीफेगस क्या होता है ये मैं जो भी आपको थ्योरी भी लिखवा रही हूँ यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखवा रही हूँ ठीक है ठीके? तो पॉलीफेगस है ये यानी बहुत अलग अलग टाइप के खाना खाती है न, है ना मोर देन वन होस्ट होते हैं इसके ये टर्माइट्स जो होती हैं इनकी कॉलोनीज होती हैं कॉलोनीज जैसे क्वीन हो गया किंग हो गया वर्कर हो गए ठीक है वर्कर हो गए सोल्जर हो गए डिफेंस के लिए ठीक है जिसमें से क्वीन का आंसर क्वेश्चन आता है कि इसको एग लेंग मशीन कहते हैं ओके फाइन अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर यस तो यहाँ पर कुछ और भी मैंने आपको टेबल दिया है आपको पी दे दूंगी मैं इसमें मैंने डिफरेंट uh, केमिकल्स उसके जो व्यापारिक नाम है ट्रेड नेम है और ये किन पेस्ट को टारगेट करते हैं जैसे डाई फ्रूट फ्लाई एफिड के लिए यूज़ होता है मेलाथियन मॉस्किटो के लिए यूज़ होता है क्लोरपाइरोफोज जो है टर्माइट कंट्रोल के लिए देखो लिखा हुआ है सी ट्रीटमेंट एंड टर्माइट कंट्रोल uh, जो क्वीनल फोस है वो सॉयल पेस्ट यानी ग्रब वगैरह के लिए यूज़ होता है मिथाइन पैराथियॉन जो है लोकस्ट और रेड हेयरी कैटरपिलर के लिए यूज होता है ठीक है ओके देन सबसे बड़ी बात है कि आपके ना बहुत सारे पेस्टिसाइड है जो मल्टीपल इंसेक्ट को टारगेट करते हैं आपको आई ए आर आई का सोर्स उठाना है या मैंने भी आपको नोट्स बना के दे दिए हैं पीडीएफ दे दूंगी मैं ये वाली ठीक है तो यहां से आप लर्न करके जाना ट्रेड नेम भी और टारगेट पेस्ट भी ठीक है चलिए Uh, उसके बाद कार्बामेट पेस्ट अच्छा तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पता कौन से वाले कि फास्फेट वाले कौन से हैं यानी किसके स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस है फॉस्फेट है तो मोनोक्रोटोफॉस डायमिथोट एसीफेट फोरेट मिथाइल डिमेटोन ये सारे सिस्टेमिक फास्फेट हैं अगर पूछा गया कि कॉन्टेक्ट uh, ऑर्गेनोफॉस्फेट तो ये सब है मेलाथियन वगैरह और उसके अलावा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड जैसे कार्बेराइल है कार्बोफ्यूरोन है एल डी कार्ब है ये सारे कार्बामेट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड है तो ये आपको मिल जाएगी ठीक है मैं आपको बता दूंगी लास्ट में आ, हमारी कम्युनिटीज है वहां पे मिल जाएंगी ओके okay, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगी आराम से नेक्स्ट इज कैलोसो ब्रूचर्स चाइनेसिस इज अ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट ऑफ विच क्रॉप कौन सी क्रॉप का स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है बताओ <clears throat> अच्छा ओट्स का है ग्राउंडनट का है मस्टर्ड का है या चिकपी का है तो हमेशा बताया था मैंने कि साइंटिफिक नेम आपको आने चाहिए तो कैलोसो ब्रूचस चाइनेसिस किसका साइंटिफिक नेम है ये पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम है ठीक है हाँ बताइए पल्स हाँ एंडोसल्फान बैन हो चुका है बताइए हम्म वेरी गुड डी इज द राइट आंसर नहीं होता है ये pulses का stored grain pest है। यानी भंडार घर में जो कीट होते हैं, उनमें से पल्स बीटल ठीक है से आया था इसीलिए इसका स्पीशीज चाइने रखा ओके पल्स बीटल ये पल्स बीटल जो है ये फील्ड में भी डैमेज करता है और स्टोरेज में भी यानी खेत में भी करता है और भंडारण घर में भी ये डैमेज नुकसान पहुंचाता है दोनों स्टेजेस में ठीक है अगला सवाल एनपीबी इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ जो एनपीबी है यानी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस ये इसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है वेमिसिया टेबाकी यानी सफेद मक्खी चिलो पार्टेलस यानी या विराचोला Isocrates, nuclear polyhedrosis virus. आपको पता है वैसे तो वायरस फंगस बैक्टीरिया ये सब हम आ, हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते, डिजीज कॉज करते पैथोजें होते हैं लेकिन बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी भी हैं वायरस की निमाटोड्स की फंगस की जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं यानी नेचुरल एनिमीज होती हैं उनको हम आ, पेस्ट को मारने के लिए कंट्रोल में ला सकते हैं जैसे ये वाला वायरस न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस पे, वायरस ये किसके लिए इस्तेमाल होता है हेलिकोवर्पा आर्मी जरा बेसिकली लेपिडोप्ट्रा जो ऑर्डर होता है उसमें भी स्पोडोप्ट्रा और हेलिकोवर्पा तो हेलिकोवर्पा होता है आपका फल छेदक यानी फ्रूट बोरर ओके okay? तो एनपीबी जो है वो एक तो दो टाइप का होता है एक एच ए और दूसरा होता है एस जो टोबैको कैटरपिलर होता है तंबाकू का जो लार्वा होता है उसको और दूसरा होता है ये हेलिकोवरपा आर्मी जेरा किसका नेम है फ्रूट बोरर का इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एन वायरस मार देता है इनको ओके okay? चलो अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बामेट इंसेक्टिसाइड ये तो अभी अभी बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशक है ऑप्शन आर ए फोरेट बी कार्बराइल सी एंडोसल्फान या डी मोनोक्रोटोफोस कौन सा कार्बामेट है हुँ? अच्छा तुम्हें क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक like कर दो लाइक और लाइव बिल्कुल इक्वल नहीं है मोबाइल हैंग हो रहा है यार तुम्हें एड ऑन करवाना चाहिए था अभी आ, वो चलेंगी ना मैराथन चलेंगी उसमें एड ऑन रिचार्ज करवा लेना ठीक है क्वेश्चन फिर नेटवर्क खत्म हो जाता है चलिए सो राइट आंसर इज कार बार आईल बहुत इजी है अच्छा स्टूडेंट्स को ना अभी ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो आप क्या करो या तो वाईफाई लगवा लो या तो फिर एड ऑन होते हैं फिफ्टी जीबी के वैसे uh, 50, नहीं 50 रुपीस का कि, कितना जीबी मिलता है है ना ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है नहीं फिफ्टी जीबी जो भी होता है करा लेना चलो द नेक्स्ट इज बिरा चोला आइसोक्रेट इज अ हार्मफुल पेस्ट ऑफ ये जो बिरा चोला आइसोक्रेट है ये किस फल का हानिकारक कीट है ऑप्शन आर ए ग्वा अमरूद का बी ऑरेंज संतरे का सी अनार का या डी नाशपति का किसका है बताइए हम्म चलो चलो बताओ 5G फ्री है यार पर विलेज में ना 5G का रेंज नहीं पकड़ता है मुझसे पूछो जब मैं घर जाती हूँ ना मेरा 5G 5G चलता नहीं है ज्यादा मतलब कहीं कहीं पे पकड़ता है सिग्नल कहीं पे 4G हो जाता है खुद से हम्म hmm. तो बिल्कुल राइट आंसर इज सी अनार का ये अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है ठीक है तो वीरा चोला आइसोक्रेट अनार का यानी पोमिग्रेनेट का मेजर इंसेक्ट पेस्ट है बैगिंग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसके कंट्रोल के लिए अगला सवाल है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल बाय यूजिंग लाइट ट्रैप्स इज जो प्रकाश पाश होता है लाइट ट्रैप है ना लाइट स्ट्रैप में हम यूज करते हैं वो कौन सा मेथड होता है क्या वो केमिकल कंट्रोल है रासायनिक नियंत्रण क्या वो मैकेनिकल कंट्रोल है है ना क्या वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है जैविक नियंत्रण या इनमें से कुछ भी नहीं है बताइए कौन सा कंट्रोल है वेरी गुड कौन सा कंट्रोल है मैकेनिकल कंट्रोल है अच्छा यहां पे अगर मैकेनिकल ना छोड़ के फिजिकल ऑप्शन में आएगा तो फिजिकल पे टिक करना क्योंकि जो बुक मैंने देखी थी उसमें फिजिकल आंसर सही दिया हुआ था मे बी आंसर की वहां से नोट हो तो या तो मैकेनिकल ही होना चाहिए उसका है ना मैकेनिकल ही है ओके okay? चलिए अगला सवाल है हॉल्टेस आर प्रेजेंट इन विच इंसेक्ट ऑर्डर हॉल्टे किस गण के कीटों में पाया जाता है ऑप्शंस आर ए हाइमोप्ट्रा बी सी कॉलिओप्ट्रा या डी डिप्ट्रा होल्टियर जो है किसमें पाया जाता है ये विंग टाइप्स से आपके मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक से आते हैं ठीक है अभी हम जेनेटिक्स भी करेंगे प्लांट ब्रीडिंग भी करेंगे, करेंगे क्यों बोल रही रहे करेंगे ठीक है पहले इसको कर लो ठीक है हम्म वेरी गुड किसमें होते हैं ऑप्शन नंबर डी डिप्टरा में होते हैं है. यानी जो आपकी हाउस फ्लाई है या मॉस्किटो है उन सब में हॉल्टियर्स होते हैं हॉल्टियर क्या होता है और इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूं एक तरफ लिखो विंग टाइप ठीक है अगर आपको विंग टाइप यानी पंखों के प्रकार से क्वेश्चन आता है तो अब इस टेबल से आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ओके <coughs> okay. चलिए तो सबसे पहले हमने पढ़ा किसमें होते हैं किस में होते हैं हॉलटेस में यानी मक्खी वगैरह में हॉलटेस में क्या होता है अगर ये पंख है तो उसमें से आगे वाला पंख तो अच्छा खासा होगा पीछे वाला पंख जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा ये जो पीछे वाला पंख है ये खत्म हो जाएगा इसमें रुकावट आ जाएगी ये उड़ने के काम नहीं आएगा इन पंखों को कहा जाता है हॉल्टेयर हाइंड विंग्स को ठीक है इसके अलावा इसके अलावा अगर तुमसे पूछा इलाइट्रा इलाइट्रा तो देखो इलाइट्रा किससे मिलता जुलता है कॉलिओप्ट्रा से मिलता जुलता है ठीक है इलाइट्रा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा सख्त जो पंख होते हैं वो किसके होते हैं इलाइट्रा के कॉलिओप्ट्रा के ई e और ई e को मिला लो यानी जो भ्रिंग होते हैं बीटल्स होते हैं और जो वीविल्स होते हैं उनके पंखों के प्रकार होते हैं इलाइट्रा उसके बाद एक और टाइप आता है पंखों का हेम इलाइट्रा हेम इलाइट्रा हेम मतलब आधा आधे सख्त होते हैं यानी इनके जो पंख हैं वो आधे हार्ड होंगे कठोर होंगे और आधे सॉफ्ट होंगे ठीक है आधे पंख हार्ड होंगे सख्त होंगे आधे पंख जो हैं वो पतले होंगे ठीक है और ये किसमें होता है ये बग्स में होता है ठीक है हेम इलाइट्रा सफेद मक्खी में होता है व्हाइट फ्लाई में एफिड्स में होता है हॉपर्स में होता है हॉपर्स में और देखो हेमिप्टरा और हेम इलाइट्रा हेम हेम को आपस में जोड़ लो तो जो ऑर्डर के पेस्ट होते हैं ठीक है या इंसेक्ट होते हैं उनमें हेम इलाइट्रा टाइप ऑफ पंख होते हैं उसके बाद एक और टाइप है दैट इज टैग मीना टैग मीना ठीक है तो ऐसे याद रखना मैं गई कहां पर मैं गई मीना बाजार कहा गई मीना बाजार वहां पर मुझे बहुत सारे कॉकरोच मिले ठीक ठीक है तिलचिटे मिले और बहुत सारे ग्रास हॉपर मिले ठीक है टिड्डे मिले वहां टिड्डे टिड्डे थे कॉकरोच ही कॉकरोच थे तो जो टेगमीना है टेगमीना किसके पंख होते हैं और टेगमीना पंख का मतलब होता है बहुत ही लेदरी पंख होंगे है ना ऐसे ना बहुत ज्यादा मोटे होंगे बीटल जैसे ब्रिंग जैसे ना बहुत पतले होंगे ऐसे लेदरी से होंगे ठीक है तो कॉकरोच और ग्रास हॉपर में ये होते हैं ठीक है तो यही ज्यादातर पूछा जाता है तो यही वाले करना अगला सवाल हाउ मच मॉइस्चर शुड बी देयर टू स्टोर बीट अगर आपको गेहूं को भंडार घर में रखना है तो उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए क्या उसमें आ, क्या उसमें आठ परसेंट होनी चाहिए दस परसेंट होनी चाहिए बारह परसेंट या पंद्रह परसेंट कितने परसेंट की नमी होनी चाहिए हा फ्रिज टाइप होता है थ्रिप्स में ठीक है फ्री फ्री और थ्री फ्री और थ्री तो फ्री और थ्री को आपस में जोड़ लो जो फ्रीज विंग्स होते हैं फ्रीज मतलब इस तरीके के होंगे छोटे छोटे से पंख होंगे और उनमें बाल लगे होंगे ठीक है ऐसे छोटे छोटे से पंख और ये किस में होते हैं थ्रिप्स में होते हैं थ्री और फ्री ठीक है ये आपस में जोड़ लेना ओके जी तो कितना परसेंट दस परसेंट का मॉइस्चर होना चाहिए कितना दस परसेंट का बी वाले सही हैं अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग टू द्हीट क्रॉप इनमें से कौन सा कीट ऐसा है जो गेहूं की फसल को अधिक हानि पहुंचाता है तो क्या वो थ्रिप्स है क्या वो कट वॉम है क्या वो टर्माइट्स हैं दीमक या क्या वो ग्रास हॉपर है इनमें से कौन सा कीट गेहूं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है बताइए हम्म यस yes, एवरेज लेंगे दस परसेंट लेंगे वैसे तो अगर सीड को स्टोर करना हो तो हमें एट टू थर्टीन परसेंट तक का हो जाता है लेकिन अभी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज टेन परसेंट ओके तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर जो टर्माइट होती है दीमक होती है वो गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो टर्माइट इज अ मेजर पेस्ट ऑफ वीट ओके अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इवॉल्व इनसेक्ट ऑर्डर अगर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विकसित कीट गण है तो ऑप्शंस हैं हाइमनोप्ट्रा प्रोट्यूरा ओडोनेटा या हेमिप्ट्रा कौन सा गण है इनमें से जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है बताइए वेरी गुड सूर्य प्रताप आंसर आ चुका है इट इज हाइमनोप्ट्रा हाइमनोप्ट्रा से एक और क्वेश्चन बनता है आपने पढ़ लिया वो तो मैराथन में हाइनोप्ट्रा हनीबी हनीबी का ऑर्डर है वैसे तो लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है आंट्स uh, का भी है वास्प का भी है ठीक है सिल्क मौत का भी है लेकिन क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पेस्ट है ऐसा कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है जो एक लौता ऐसा पेस्ट है इसमें जो हार्मफुल है अभी तक हनी भी भी बेनिफिशियल इंसेक्ट में आती है ठीक है सिल्क मौत भी आपकी बेनिफिशियल इंसेक्ट में आती है ठीक है लेकिन लेकिन वास्प भी बेनिफिशियल में ही आती है लेकिन जो मस्टर्ड सॉफ लाए है मस्टर्ड मस्टर्ड सॉ वो भी हाइमोप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करती है और वो खतरनाक है हार्मफुल पेस्ट है ऑर्डर का तो दिस इज हार्मफुलटेंट ओके और मस्टर्ड क्योंकि ये आ, और इसके जो लार्वा होते हैं मस्टर्ड सॉफ्लाई के उन्हें ग्रब कहा जाता है क्या कहा जाता है ग्रब जैसे हनी बी के उसको ग्रब कहा जाता है ठीक है चलिए बाकी ऑडोनेटा में क्या आता है प्रोट्यूरा जो है वो विंगलेस होता है उसमें पंख नहीं होते हैं प्रोट्यूरा ऑर्डर में और पंख नहीं होते हैं और एंटीनाज भी नहीं होते हैं जो एंटीनाज है ना वो एबसेंट होते हैं नहीं मौजूद होते हैं एंटीना प्रोट्यूरा ऑर्डर में ठीक है ये कौन से ऑर्डर में कौन सी क्लास में आता है अटैरी गोटा जहां पे पंख नहीं होते हैं ओके तो ये सारी चीजें लर्न कर लेना उसके बाद ऑर्डोनेटा में ड्रैगन फ्लाई आती है करवा चुकी हूं तो ऑर्डर्स में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं अगेन क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बामेट इनसेक्टिसाइड निम्नलिखित में से कौन सा कार्बामेट पेस्टिसाइड है या कीटनाशक है क्या वो क्लोर पायरोफॉस है क्या वो एल डी काब है क्या वो साइपर है या वो डाईमिथोट है तो आपको मैंने टेबल दे दिए हैं ठीक है ठीके? आपको क्या करना है कौन से ऑर्गेनो क्लोरिन है कौन से ऑर्गेनो फॉस्फेट हैं जैसे एंडोसल्फान भी ऑर्गेनो क्लोरिन में ही आता है ठीक है कौन से कार्बामेट वाले हैं कौन से ऑर्गैन सिस्टेमिक है कॉन्टेक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है तो भाई कार्बामेट वाला एल डी का आवाज आएगा ठीक है अगला सवाल एरियास वाइटिला इज द पेस्ट ऑफ विच क्रॉप ये जो एरियास वाइटिला है ये कौन सी फसल को डैमेज करता है हानि पहुंचाता है ऑप्शन आर ए कपास कॉटन बी मूंगफली नट सी बैंगन ब्रिंजल या डी सोयाबीन किसमें नुकसान पहुंचाता है बताइए तो ये जो आइरियास वाइटिला है ये किसका साइंटिफिक नेम है स्पॉटेड वॉलवॉम का किसका साइंटिफिक नेम है स्पॉटेड वॉल वम का साइंटिफिक नेम है और वॉलवॉम किसके होते हैं कपास में होते हैं किसमें होते हैं कपास में होते हैं तो ए इज द राइट आंसर अगला सवाल तो क्ष्मी वेराइटी है क्या वो सुविन है क्या वो शंकर चार है क्या वो बॉल गॉर्ड है बॉल गार्ड बताइए कौन सा वाला है ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक का मतलब है उसमें कोई जीन डाली गई है इधर से उधर ट्रांस का मतलब होता है इधर से उधर करना ट्रांसफर करना किसको ट्रांसफर कर रहे हो जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके सिलेबस में एक ट्रांसजेनिक टॉपिक भी है उसके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना ठीक है मैं भी यहां पे ऐड कर दूंगी एग्जाम्पल ओके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी लास्ट में दिखा दूंगी कम्युनिटी पे भी मिल जाएगी लास्ट में दिखाऊंगी ठीक है कि कहां पे ज्वाइन करना है चलिए तो फ्री पीडीएफ मिल जाएगी टेंशन वाली बात नहीं अभी पढ़ने पर ध्यान दो ओके चलिए तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बॉल गार्ड जो है वो बीटी कॉटन का एग्जाम्पल है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज यूज फॉर सीड ट्रीटमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ सकिंग इंसेक्ट या पेस्ट मतलब इनमें से कौन सा कीटनाशक ऐसा है जो चूसने वाले जो कीट होते हैं उनके लिए सीड ट्रीटमेंट में उसको उसमें प्रयोग किया जाता है कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने के लिए तो फेन वेलेट इमिडाक्लोप्रिड एंडोसल्फान या इनमें से कोई भी नहीं बताइए बता दो बता दो और एक सेकंड लगेगा को लाइक भी कर दो अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं ठीक है बिल्कुल बी इज द राइट आंसर इमिडा क्लोपरेट का इस्तेमाल करते हैं हम सकिंग पेस्ट को यानी ऐसे पेस्ट जो खाते सॉलिड फूड नहीं खाते लिक्विड फूड खाते हैं उनको मारने के लिए अगला सवाल फॉलोइंगल ट्रैप क्रॉप फॉर द टोमैटो फ्रूट बोरर जो टमा उसके लिए कौन सी जो जाल फसल है ट्रैप क्रॉप है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कौन सी उपयुक्त है आइडियल है ऑप्शन आर ए कॉलीफ्लावर फूलगोभी बी सूरजमुखी यानी सनफ्लावर सी टोबैको यानी तम्बाकू या डी गेंदा यानी मैरी गोल्ड तो आपको क्या करना है यहां पर ट्रैप क्रॉप लर्न करनी है मेजर मेजर क्रॉप्स की ठीक है ट्रैप क्रॉप क्या होती है ट्रैप क्रॉप ट्रैप क्रॉप क्या होती है जैसे आपकी ये मेन क्रॉप है ठीक है आपको अपनी क्रॉप को बचाना है तो इस मेन क्रॉप को बचाने के लिए आप एक दूसरी किसी इसके कम क्रॉप को जो है वो कुर्बान कर दोगे ठीक है अब ये ट्रैप क्रॉप ऐसी है कि कीट को वो भी अच्छी लगती है ठीक है वो क्रॉप भी अच्छी लगती है जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉटन ठीक है किसका बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा डी किया ना सबने वेरी गुड तो मैरी गोल्ड हो जाएगा टोमेटो फ्रूट बोरर के लिए अब अगर आपको अपनी कॉटन क्रॉप को बचाना है किससे स्पॉटेड वॉल वॉर्म से स्पॉटेड वॉल वॉर्म से अभी जो आपने पढ़ा ना एरियास तो आप क्या करोगे यहां पर भिंडी लगा दोगे ओकरा भिंडी लगा दोगे अब ये जो स्पॉटेड वॉल वॉर्म है इसको भिंडी भी पसंद है ये भिंडी खाएगा और बस इसका पेट भर जाएगा हमारी कॉटन बच जाएगी या कहीं थोड़ा दूर लगा दो वहां को चला जाएगा ओके okay, तो हम क्या करते हैं अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और को कुर्बान कर देते हैं ओके दैट इज ट्रैप क्रॉप ओके नाउ नहीं इंटर क्रॉप नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं ट्रैप क्रॉप इज नॉट इंटर क्रॉप की बीच में लगा दी ठीक है हमेशा बाउंड्री पे लगानी होती है ताकि अंदर घुस गई वो बीच में तब तो वो चलते चलते कहीं भी पहुंच जाएगी हमेशा बाहर लगानी है बाउंड्री पे तो निमाटोड के लिए भी मैरी गोल्ड जो है वो बहुत बेस्ट ट्रैप क्रॉप है अगर आपको निमाटोड से बचाना है ना अपनी क्रॉप्स को तो आप ट्रैप क्रॉप मैरी गोल्ड यूज कर सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच क्रॉप इज द आउटब्रेक ऑफ वाइट ग्रब पेस्ट इज मोर जो सफेद गिडार होता है वाइट ग्रब जो होता है हॉलो वो किस उसमें उस कीट का प्रकोप जो है कौन सी फसल में अधिक होता है बताइए ग्राउंड नट मूंगफली इसमें मैं टेबल ऐड कर दूंगी ट्रैप क्रॉप्स वाला भी जो मेजर ट्रैप क्रॉप्स है ना उसका टेबल याद ऐड uh, कर दूंगी ठीक है चलिए ग्राम uh, में रेडिश में या मस्टर्ड में किसको करता है वेरी नाइस nice. किसको करता है ग्राउंड नट को मूंगफली को करता है ए इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड इनमें से इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड कौन सा है एंडोसल्फान डायमिथोएट, क्लोर या निम्बी साइडीन चलो हाफ टाइम जो है वो पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट में हो जाएगा उसके बाद हम जेनेटिक्स करेंगे ठीक है जेनेटिक्स करेंगे अभी तो इको uh, फ्रेंडली वाला कौन सा है डी इज द राइट आंसर वेरी गुड मनीषा सो यहां पर जो निम्बी साइडीन है ओके okay, वो इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली मतलब जिसका uh, uh, पर्यावरण पे एनवायरमेंट पे फर्क ना पड़े ठीक है तो ये वाले ऑर्गेनिक होते हैं इसके अलावा ना और भी हैं आपके ऑर्गेनिक दिस यहां से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं पहला आ गया निकोटिनॉइड ठीक है निकोटिन जो है जो तंबाकू होता है टोबैको होता है उसकी रूट से बनाया जाता है टोबैको की रूट से उसके बाद आता है आजादी रचतीन ये सीड एंड लीव्स ऑफ नीम जो नीम के बीज होते हैं और पत्ते होते हैं उनसे बनाया जाता है आजादी रचतीन उसके बाद है रोटेनॉइड्स या रोटेनॉन इन्हें जड़ों से बनाया जाता है एक लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं लोंगो कार्पस और डेरिस एलिप्टिका इनकी जड़ों से बनाया जाता है रोटेनॉन को और ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है पायरेथरम या पायरेथ्रॉइड्स ये किससे बनते हैं ये जो गुलदाउदी का फूल होता है फ्लावर्स ऑफ क्राइस एंथीम जो गुलदावदी का फूल होता है उसका इस्तेमाल करके इन कीटनाशकों को बनाया जाता है ये जो चारों हैं निकोटिनॉइड आजादी रचतेथ्रॉइड ये सारे क्या है ये कीटनाशक है इंसेक्टिसाइड है ये सारे इंसेक्टिसाइड किसी प्लांट के माध्यम से किसी प्लांट को यूज करके बनाए गए हैं तो इन्हें कहते हैं बोटैनिकल्स क्या कहते हैं बोटैनिकल्स अगला सवाल है फिरमोन ट्रैप्स अट्रैक्ट जो फोमोन ट्रैप होते हैं वो किसे आकर्षित करते हैं ऑप्शंस क्या वो फीमेल मौत को करते हैं अट्रैक्ट क्या वो कैटरपिलर को करते हैं क्या वो मैगेट्स को करते हैं या वो नर शलभ को यानी मेल इंसेक्ट को करते हैं बताइए सबसे पहले सबसे पहले यहां पर नीम से ही बनता है नीम से दरख शिंदा शिंदे दरक ठीक है अच्छा सुनो अब मेरी बात फिरमोन क्या होते हैं फिरमोन फिरमोन ना हॉर्मोन ही होते हैं हॉर्मोन इन्हें कहा जाता है एक्टो हॉर्मोन एक्टो मतलब बाहर तो जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो इन हॉर्मोन को जैसे हमारे अंदर जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसे डोपोमिन रिलीज होता है ना ऐसे खुशी खुशी वाला तो वैसे ही इंसेक्ट जो हैं वो हॉर्मोन को बाहर सिक्रीट करते हैं हमारे तो अंदर ही होते हैं सिक्रीट अब वो क्या करते हैं बाहर सिक्रीट करते हैं एक्टो हॉर्मोन और उनसे कौन अट्रैक्ट होते हैं मेल अट्रैक्ट होते हैं अगर तुमसे पूछा जाएगा कि फिरोमोन ट्रैप्स जो होते हैं वो कौन सा मेथड है पेस्ट कंट्रोल का तो वो मैकेनिकल मेथड है ठीक है फिरोमोन ट्रैप इज मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल ओके चलिए अगला सवाल है स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जिंग जो मुखांग होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं ऑप्शन आर ए बटरफ्लाई तितली या हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी या मधुमक्खी हनी भी या आ, बग्स बताओ स्पॉन्जिंग टाइप के मुखंग किसमें पाए जाते हैं हम्म बताइए बताइए सी कौन लिख रहा है यार बीच में ए भी लिख रहे हैं राइट आंसर इज बी चलिए अगर माउथ पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आपको वो करके आना है इस क्लास के बाद सभी माउथ पार्ट्स याद करवा रही हूं मैं आपको चलो लिखो तो माउथ पार्ट चार पांच छह माउथ पार्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं सबसे पहला है बाइटिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग ठीक है दूसरा है आपका च्यूइंग एंड लैपिंग च्यूइंग एंड लैपिंग तो बाइटिंग का मतलब बाइट होता है काटना है ना बाइट मतलब काटना तो काटने और चबाने वाले किसमें होते हैं टिड्डे में होते हैं है, ग्रास हॉपर में सबसे प्रिमिटिव टाइप है सबसे पुराना इसके अलावा कॉकरोच में होते हैं ठीक है तिलचिट्टे में टिड्डे में त, दीमक में भी यही होते हैं टर्माइट्स में ठीक है उसके अलावा लोकस्ट में ठीक है जो लोकस्ट होते हैं इन सब में मैक्सिमम में बीटल्स होते हैं भ्रिंग इन सब में मैक्सिमम इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप यानी काटने और चबाने वाले च्यूइंग मतलब चबाना उसके बाद है च्यूइंग एंड लैपिंग लैपिंग का मतलब होता है चाटना लैपिंग का मतलब क्या होता है चाटना तो ऐसे याद रखना कि जैसे जो हनी होता है ना हनी शहद वो कितना ज्यादा मीठा होता है उसको चाट चाट के खाते हैं लोग है ना जैसे वो पू था ना विनीदा पु तो चाटने वाले किसमें होते हैं हनी बी में मधुमक्खी में किसमें होते हैं हनी बी में मधुमक्खी में होते हैं ये तो हो गया बाइटिंग एंड च्यूइंग और च्यूइंग एंड लैपिंग ठीक है आपको पता है हनी बी जो होती है वो क्या करती है वो पोल्स को सिर्फ चाटती है और बस चबा जाती है उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती काटने की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर कोई सॉलिड फूड खा रहा है हड्डी खा रहा है या कोई दूसरे इंसेक्ट को खा रहा है तो ये सारी चीजें किसमें होंगी आपकी जैसे लेडी बर्ड बीटल है बीटल्स है उन सब में होगा इतना समझ में आ गया नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट होता है एस फॉर स्पॉन्जिंग एंड एस फॉर सिफोनिंग सीफोनिंग तो ये दो टाइप होते हैं स्पॉन्जिंग और सिफोनिंग तो जब भी आप एक सुंदर सी तितली को देखते हो है ना उसको देखते हो तो आप क्या करते हो अपना फोन निकाल लेते हो तो फोन से याद रखना फोनिंग फोन निकाल लेते हो तो जो सिफोनिंग है वो बटरफ्लाई यानी तितली में और ततैया में बटरफ्लाई और मॉथ्स में होती है और स्पॉन्जिंग स्पॉन्ज आप कब यूज करते हो जहाँ पे गंदगी होती है वहां पे आप स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हो चाहे वो बाद स्पॉन्ज है चाहे वो पोचा लगाने वाला स्पॉन्ज है तो जो हाउसफ्लाई होती है मक्खी होती है उसमें ऐसा एक स्पॉन्ज टाइप लगा होता है किसमें मक्खी में तो मक्खी का है आपका स्पॉन्जिंग और फोनिंग इज बटरफ्लाई एंड मॉथ ठीक है उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके माउथ पार्ट्स हैं वो है पियर्सिंग एंड सकिंग पियर्सिंग एंड सकिंग एंड सेकेंड वन इज रास्पिंग एंड सकिंग रास्पिंग एंड सकिंग ठीक है, पियर्सिंग का मतलब होता है चुभाने वाले चुभाना चुभाने वाले एंड सकिंग का टाइम सकिंग का होता है चूसने वाले ठीक है, रास्पिंग का मतलब होता है चीरने वाले चीरने वाले और सकिंग का मतलब चूसने वाले तो इन दोनों में क्या फर्क है रास्प और थ्रिप ठीक है पर, पर से जोड़ लो इसमें से थ्रिप्स आता है पियर्सिंग सकिंग में हेमिप्ट्रा ऑर्डर सारा और मॉस्किटो होता क्या है पियर्सिंग मतलब चुभाना तो ये जो सफेद मक्खी है एफिड है हॉपर है मॉस्किटो है इन सबके पास एक सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइलेट कहते हैं ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है सुई जैसा स्ट्रक्चर है स्टाइलेट ये जो है वो अंदर चुभाते हैं प्लांट के पहले चुभाते हैं उसके बाद चूसते हैं ठीक है तो जो भी हेमिप्ट्रा ऑर्डर है एफिड वाइट फ्लाई लीफ हॉपर उसमें पियर्सिंग और सकिंग है और जो थ्रिप्स है उसके पास स्टाइलेट नहीं होती उसके पास कोई सुई नहीं होती वो चीर फाड़ करता है ठीक है उसका बस राइट मैंडिबल एबसेंट होता है असिमिट्रिकल माउथ पार्ट्स होते हैं और वो चीर फाड़ कर देता है तो इसमें आते हैं आपके थ्रिप्स ओके चलिए तो ये माउथ पार्ट्स भी हो गए आपके अगला सवाल है विच पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय फ्लडिंग ऑफ द फील्ड किस कीट का नियंत्रण खेत में पानी भरकर किया जाता है बताइए दीमक टर्माइट्स का सफेद गिडार यानी व्हाइट ग्रब का सी इज बग एंड एंड बी बोथ ए एंड बी बताइए हम्म जल्दी बताओ फ्लडिंग ऑफ द फील्ड अगर एंटोमोलॉजी uh, से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आईपीएम से आते हैं कंट्रोल से आते हैं ट्रेड नेम से आते हैं मोरफॉलोजी आपको मैं करवा चुकी हूं ठीक है बिल्कुल दोनों के लिए यार टर्माइट्स और यस डी इज द राइट आंसर वेरी गुड पराग तो टर्माइट्स और वाइट ग्रब दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लडिंग बिल्कुल पानी को भर दिया जाता है क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं ना जो सफेद गिडार होता है व्हाइट ग्रब वो भी सॉइल में मिट्टी में रहता है और ये जो दीमक होती है ये भी मिट्टी में ही अपना वो बनाती है टर्मेटोरिया बुरा एक वो पहाड़ सा नहीं बनाती मिट्टी का तो वो भर के खत्म हो जाता है ठीक है अगला है बीटी कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट जो आपकी बीटी पत्ता गोभी है वो किसके खिलाफ तैयार की गई है क्या वो मक्खी के खिलाफ तैयार की गई है क्या वो डीबीएम यानी डायमंड बैक मौत के खिलाफ डेवलप की गई है क्या वो एफिड्स के खिलाफ डेवलप की गई है या टोबैको कैटरपिलर के, के अगेंस्ट डेवलप की गई है हेमिप्ट्रा में आपके कौन कौन से पेस्ट आते हैं जो आपका हेमिप्ट्रा ऑर्डर है हैमी मतलब आधे विंग्स हैमिलाइट्रा विंग उसमें आती है आपकी व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी उसमें आते हैं आपके एफिड्स उसमें आते हैं आपके लीफ हॉपर लीफ हॉपर उसमें आते हैं आपके जेसिड्स ठीक है और उसमें आते हैं आपके बग्स तो ये सारी जो इंसेक्ट हैं वो ऑर्डर में आते हैं लिख लो ओके चलिए बीटी कैबेज कैबे जो है बिल्कुल डायमंड बैक मॉथ के अगेंस्ट डेवलप की गई है चलिए अगला सवाल है अब मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करा रही हूँ जो मेरी डेली क्लास देखते थे छह बजे देखते आ रहे हैं देखते रहेंगे उनको तो ये सारे क्वेश्चंस फिर भी मैंने करवा दिए हैं एक बार आप भी इसको रिवाइज कर लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो 10-15 दिन करवाए थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के ठीक है सबसे पहला आर्टिफिशियल हैंड पॉलीनेशन ऑफ डेट पाम वाज डन बाय जो खजूर में कृत्रिम हाथ परागण जो है किसके द्वारा किया गया था तो बेबीलोनियंस और एसी ठीक है आंसर आ चुके हैं डी आंसर सही है दोनों ने ही आर्टिफिशियल हैंड पॉलीनेशन किया था मिलकर अगला है who was the first to demonstrate sex in plants and suggested crossing कि इन्होंने जो है अंतर दिया कि ये नर फूल है ये मादा फूल है ये नर अंग हैं प्लांट्स में ये मादा अंग हैं और सबसे पहले किसने बोला कि क्रॉसिंग कर सकते हैं हम बताइए बेबीलोनियंस टीएनाइट कैमरारियर्स या कोल रूटर बताइए देखो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जब तक आ, मेरी चार बजे बीएओ की पेड की क्लास भी है जो भी पेड क्लास के बच्चे हैं उससे पहले जितना भी हो पाएगा मैं लगातार आपको करवाती रहूंगी ठीक है बिल्कुल कैमरा रियर्स कैमरा रियर्स ने सबसे पहले बताया था कि भाई हाँ प्लांट्स में भी सेक्सेस होते हैं नर अलग मादा अलग और उनमें क्रॉसिंग की जा सकती है ठीक है चलिए अगला सवाल हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड या संकर जो है वो किसने बनाया था क्या रिम्पू ने बनाया था नंबर बी ने बनाया था नंबर सी टी ए नाइट ने बनाया था या नंबर डी थॉमस फेयर चाइल्ड ने बनाया था किसने बनाया था पहला इंटर स्पेसिफिक संकर बिल्कुल वेरी गुड किसने बनाया था डी आंसर सही है है ना थॉमस फेयर चाइल्ड ने बनाया था अब होता क्या है ये सबको पता है कि डायस जो है वो स्पीशीज है सॉरी जीनस है और जो बारबेटस है वो आपका क्या है स्पीशीज है इन टू डायथस आपका जीनस है कैरियोफाइलस कैरियोफाइलस आपका स्पीशीज है ठीक है तो कहा गया है कि ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है वो किसने बनाया था यानी दो प्रजातियों या स्पीशीज के बीच में जो क्रॉस था दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो क्रॉस था वो किसने बनाया था तो वो बनाया था थोमस फेयर चाइल्ड ने और उसका नाम रखा था फेयर चाइल्ड म्यूल क्या रखा था फेयर चाइल्ड म्यूल ठीक है तो पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है वो इन्होंने बनाया था थॉमस फेयर चाइल्ड ने दो स्पीशीज के बीच में रिंपू ने जो है पहला जेनेरिक बनाया था इंटर ठीक है दो जीनस के बीच में यहां पे तो जीनस एक ही है यहां पर जो रिम्पू ने बनाया था ट्रिटिकेल उसमें जीनस भी अलग अलग है एक ट्रिटिकम है एक सिकेल है अलग अलग जीनस है समझ गए चलिए खच्चर नहीं है ये हे भगवान खच्चर नहीं है ये जो म्यूल होता है ये खच्चर वाला म्यूल नहीं है बाप रे बाप रे डाईस कैरियो कैरियोफाइलस पता क्या होता है कार्नेशन जो फूल होता है ना कार्नेशन का इतना सुंदर सा उसको तुमने खच्चर बना के रख दिया फूल होता है कार्नेशन का ठीक है भी एक फूल ही होता है और उस फूल को कहते हैं स्वीट विलियम स्वीट विलियम जब कार्नेशन और स्वीट विलियम में क्रॉस कराते हैं तो फेयर चाइल्ड का म्यूल बनता है है ना <laughs> फेयर चाइल्ड ने खच्चर नहीं बनाई थी यार प्लीज ऊपर से वो थोमस फेयरचाइल्ड रो रहा होगा कि मैंने फूलों पे काम किया और इन्होंने मुझे है ना प्लांट ब्रीडिंग चल रही है यहां पे एनिमल ब्रीडिंग नहीं चल रही है चलो ओके नेक्स्ट फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन विच कंट्री जो पहली पादप प्रजनन की uh, जो कंपनी थी वो किसने और कब बनाई थी या सॉरी कब तो छोड़ो ठीक है कब नहीं पूछेगा कौन सी कंट्री में बनाई थी क्या वो ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी क्या वो फ्रांस में बनाई गई थी स्विट्जरलैंड में या चाइना में चलो इतना मैं बता देती हूं कि जो पहली पादप प्रजनन कंपनी थी वो विल मॉरिन ने बनाई थी किसने बनाई थी विल मॉरिन ने डेवलप की थी कौन सी कंट्री में की थी वेरी गुड बी वाले सही हैं फ्रांस में की थी कहां पर फ्रांस में की थी अगला सवाल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम जो फल होते हैं उनमें किसने सबसे पहले जो है संकरण करवाया था खुद से संकरण करवाया था तो किसने कराया था बता दो टी ए नाइट ने कराया था मेंडल ने कराया था डार्विन ने कराया था या विल मॉरिन ने कराया था बताइए हाँ प्रोजेनी टेस्टिंग भी बिल्कुल प्रोजेनि टेस्टिंग भी विल मॉरिन ने ही दी है उन्हें इसलिए प्रोजेनी टेस्टिंग को विल मॉर इन आइसोलेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है वेरी गुड सबका आंसर सही है टी ए नाइट यानी थोमस एंड्रयू नाइट उन्होंने सबसे पहले फलों में फ्रूट क्रॉप्स में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज की थी अगला सवाल रिम्पू मेड फर्स्ट इंटरजेनरिक हाइब्रिड बिटवीन वीट एंड कहा गया है जो रिंपू ने पहला इंटर जेनेरिक हाइब्रिड बनाया था वो किसके बीच में था एक तो था ट्रिटिकम के बीच में ट्रिटिकम और दूसरा क्या था राइज मेज राई या शुगर केन किसके बीच में था एक आंसर सही आया अभी दिवेश यार कोई ए लिख रहा है कोई बी लिख रहा है कोई सी लिख रहा है राई सुनो मेरी बात वीट का अगर आपको साइंटिफिक नेम पता होगा ट्रिटिकम एस्टाइवम तो ये है आपका जीनस ट्रिटिकम ठीक है एस्टाइवम इसका हमें मतलब नहीं है इंटू राय राय का साइंटिफिक नेम होता है सिकेल सिकेल सीरियल एले तो ट्रिटिकम का ट्रिटी लिया है इन्होंने ट्रिटी और सिकेल का केल लिया है केल तो ये मिलकर बन गया ट्रिटी केल तो वीट और राय के बीच में क्या बना है पहला इंटर जेनेरिक हाइब्रिड बना है समझ गए रिंपू ने बनाया है ट्रिटिकेल केल और जीनस है कम, सी केल. समझ गए चलिए अगला सवाल विल मॉरिन डेवलप द टेस्टिंग इन भाई ये तो हमने अभी अभी किया कि विलमोरिन ने संतति परीक्षण जो है उसको बनाया था लेकिन कौन सी फसल में बनाया था वीट यानी क्या गेहूं में बनाया था uh, मेज मक्का में बनाया था सी मैंगो में आम में बनाया था या डी शुगर बीट में जो आपका मीठा चुकंदर होता है ना उसमें बनाया था बताइए किस में बताया था क्या स्पीड धीरे करूं थोड़ी सी हम्म चलो शुगर बीट है ना लिख लो हिंदी वाले मीठा चुकंदर जो मीठा चुकंदर होता है ना उसमें ये संतति परीक्षण दिया गया था विल मॉरिन ने दिया था आ, दिस प्रोजेनी टेस्टिंग ओके अगला सवाल हु प्रपोज द प्योर लाइन थ्योरी फॉर द इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन व्यक्तिगत पौधे के चयन के लिए जो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था तो ऑप्शंस है मैंडल ने दिया था हिंदी वाले ऐसे ही सुन लो यार मेंडल ही होता है है ना जॉनसन ने दिया था जॉनसन क्या कैमरा रियस ने दिया था या विल मॉरिन ने दिया था किसने दिया था प्योर लाइन थ्योरी बिल्कुल जॉनसन ने दिया था किसने दिया था जॉनसन ने और जॉनसन ने किस में दिया था फ्रेंच बीन में दिया था फ्रांस बीन में राजमा में कौन सी वैरायटी थी प्रिंसेस वैरायटी थी कौन सी वैरायटी थी प्रिंसेस वैरायटी थी अगला सवाल मल्टीपल फैक्टर ठीक है ये जो साइंटिस्ट uh, के नाम है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किए नाम तो सब हिंदी इंग्लिश में लिख ही लेते हैं हाँ तो जो भी एक दो बोल रहे हैं कि मैम हिंदी में ऑप्शन तो यार मेंडल तो मेंडल है ना इतना तो मत करो चलो तो uh, गेहूं में बहुगुणक परिकल्पना का प्रस्ताव किसने दिया था बेटसन ने मैंडल ने डेवन ने या निल्सन ने तो वेरी गुड दिशा सिंह का आंसर विद्या राइट आंसर विद्यालय एहले पूरा नाम क्या था एहले नाम था एहले. तो एहले ने गेहूं में बहुगुणक बहु परिकल्पना यानी मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था भाई मेंडल ने कहा था मेंडल ने मेंडल ने सिंपल सी चीज कही थी मेंडल ने कहा था एक जीन होती है एक कारक होता है और वो एक लक्षण को नियंत्रित करता है यानी वन जीन वन ट्रेड को कंट्रोल करता है इतना मेंडल ने कहा था लेकिन नीलसन अहले ने बताया ऐसा नहीं है कई जगह पर ऐसा भी है कि बहुत सारी जीन्स, यानी मल्टीपल फैक्टर्स बहुगुणिक मतलब बहुत सारी जीन्स जो हैं, वो किसी एक करेक्टर को मिलकर कंट्रोल भी करती हैं, और उस सिचुएशन को उस इनहेरिटेंस को कहते हैं मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस हाइपोथेसिस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसे ही कहा जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डवाफिज्म फाउंड इन द जैपनीज जो गेहूं होते हैं ना गेहूं उनमें जो बौनापन है, छोटी -छोटी है, है गेहूं की उसमें से जो जीन डाली गई है वो कौन सी किस्म से वेराइटी से ली गई है बताइए सोनालिका से ली गई है डीजी भूजन नोरिंटेन या आई आर एट कहां से ली गई है बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसे ही कहते हैं ठीक है बिल्कुल नॉरिंटन पॉली का मतलब होता है पॉली मतलब मैनी यानी अनेक 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 ठीक है तेरे की रुक जाओ मैनी मतलब बहुत सारी अनेक जेनिक मतलब जेनिक मतलब जीन्स जीन्स कारक बहुत सारी जीन्स तो कहा गया है जब बहुत सारी जीन्स मिलकर कंट्रोल करती हैं यानी नियंत्रित करती हैं सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को एक लक्षण को कंट्रोल करती हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करे तो उसे कहते हैं मोनोजेनिक सिंपल सी बात है एक जीन और एक लक्षण एक ट्रेड ज इक्वल टू मोनोजेनिक मैनी जीन्स बहुत सारी जीन्स इज इक्वल टू वन ट्रेड इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक और पॉलीजेनिक को ही आप बोल देते हो मल्टीपल फैक्टर मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा मेंडल ने फैक्टर बोला था जीन्स को और मल्टीपल फैक्टर हाइपोथिस तो ये एक ही बात है पॉलीजेनिक और मल्टीपल फैक्टर एक ही बात है नीलसन अहले ने दी थी क्लियर हो गया चलिए अगला सवाल है ये तो हो गया ना आपका नॉरिंटन अच्छा डीजी बूजन जो है वो राइस का है धान का ठीक है अगला नोबेलाइजेशन इन शुगर केन इंक्लूड सेकेरम बारबेरी एंड डैश आपको पता है पहले जो गन्ने होते थे ना वो मीठे नहीं होते थे हमारी साइड ठीक है बहुत ही ज्यादा मिठास नहीं होती थी उनमें उनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती थी इल्ड बहुत ज्यादा होती थी लेकिन मिठास नहीं होती थी तो उसके लिए ये नोबेलाइजेशन किया गया है ना मतलब एक से एक से बदलाव लाया गया मतलब एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी ठीक है वो किसके बीच में हुई थी बारबेरी एंड दूसरा क्या है सेकेरम नोबेलिकेरम सटाइवम सेकेरम ऑफिसिनरम या ऑल ऑफ दीज तो किसके बीच में हुआ है नॉबेलाइजेशन से ऑफिस इन एरम ठीक है तो सी इज द राइट आंसर अगला सवाल द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ वाइल्ड स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इज रेफर टू एस एक्लिमेटाइजेशन यानी अनुकूलन इंट्रोडक्शन यानी परिचय डोमेस्टिकेशन uh, यानी ग्रामण्य या सिलेक्शन यानी वरण या चयन जब आप किसी वाइल्ड किसी जंगली प्रजाति को uh, मानव प्रबंधन में लेकर आते हो तो उसे क्या कहते हैं उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं कहते हैं अगला सवाल जो इंड्यूस्ड होती है जो हमने खुद करवाई होती है विद द हेल्प ऑफ सम म्यूटाजन्स तो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन का केवल कितना प्रतिशत जो है फसल सुधार में उपयोगी है यूजफुल है ऑप्शन है वन परसेंट टेन परसेंट जीरो पॉइंट वन परसेंट जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट गुड जीरो पॉइंट वन परसेंट ठीक है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल म्यूटाजन कौन से होते हैं ठीक है भौतिक वाले म्यूटाजन और केमिकल uh, म्यूटाजन कौन से होते हैं ठीक है केमिकल्स वाले रसाइनिक. तो फिजिकल में आपकी रेडिएशन आती हैं रेडिएशंस ठीक है ये जो रेडिएशन होती हैं ये दो टाइप की होती हैं एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आपकी यूवी रेडिएशंस आती हैं यूवी रेडिएशंस इसके अलावा जो भी रेडिएशंस है दैट इज एक्स रेज गामा रेज ठीक है या कोई भी न्यूट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स जो भी हैं वो आपके आयोनाइजिंग में आते हैं नॉन आयोनाइजिंग की जो रेडिएशंस होती है उनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है ठीक है तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी वाली है तो वो यूवी रेडिएशन है क्लियर हो गया और ये सारी रेडिएशंस जो होती हैं जब आप रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हो डीएनए में बदलाव लाने के लिए यानी उत्परिवर्तन लाने के लिए म्यूटेशन लाने के लिए सो दिस दिस इज कॉल्ड फिजिकल ये फिजिकल म्यूटाजन है ओके केमिकल्स में आपके क्या क्या आते हैं जैसे ईएमएस है इथाइल मिथेन सल्फोनेट है बेरियम कार्बोनेट है या आपके डिफरेंट एक्रीडीन डाइज है ये सारे आपके केमिकल्स में आते हैं ठीक uh, है मस्टर्ड मस्टर्ड गैस गैस है का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था म्यूटेशन के लिए ओके तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और म्यूटेशन होता क्या है वट इज उत्परिवर्तन अचानक से डीएनए में जेनेटिक मटेरियल में डीएनए में कोई बदलाव आ जाएगा सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए तो उसे कहते हैं म्यूटेशन ठीक है चलिए अगला सवाल है इफ गैमीट्स आर फर्टाइल बट इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द सीड्स इट इज ड्यू टू अगर जो गैमीट हैं आपके युग्मक है वो उपजाऊ हैं मतलब जिंदा हैं सब सही है उसके बाद भी बीज नहीं बन रहा है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है सीड नहीं बन पा रहा है फ्रूट नहीं बन पा रहा है तो ऐसा क्यों है क्या वो इमेस्क्यूलेशन की वजह से है यानी विपुंसन की वजह से क्या वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से है क्या वो बायसेक्सुअलिटी की वजह से है यानी द्विलिंगी या मेल नर नरवंध्यता की वजह से है तो ये किसकी वजह से है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्व अक्षमता की वजह से है अगला सवाल प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑन द सेम फ्लावर इज नोन एज जब नर और मादा अंग जो है एक ही फूल पर पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है क्या उन्हें मोनोशियस कहा जाता है उभयलिंगाश्री क्या उन्हें डायोशियस कहा जाता है एक लिंगाश्री क्या उन्हें बायसेक्शुअल कहा जाता है द्विलिंगी या उन्हें सब ये ऑल ऑफ दीज कहा जाता है बताइए बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं इसे कहा जाता है द्विलिंगी यानी बायसेक्शुअलिटी हर अब मोनोशियस नहीं कहा जाता है क्यों यहां पर ये नहीं बोला है कि नर और मादा फूल एक पौधे पर होते हैं मोनोशियस का मतलब है नर और मादा फूलों का एक ही पौधे पर उपस्थित होना तो आपका मोनोशियस हो जाता क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में पूछा है कि नर और मादा अंग जो है एक ही फूल के अंदर होते हैं तो उन्हें कहते हैं द्विलिंगी जब दोनों लिंग एक ही पूल पे होते हैं उन्हें कहा जाता है बायसेक्सुअल क्या कहा जाता है बायसेक्सुअल कहा जाता है अगला सवाल व्हेन स्टाइल्स एंड फिलामेंट्स इन अ फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इट इज कॉल्ड एज जब जो है स्टाइल और फिलामेंट जो होते हैं जो आ, फूल की जो शैलियां और तंतु होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है क्या उन्हें हरकोगेमी कहा जाता है क्लिस्टोगेमी हेट्रोस्टाइली या ऑल ऑफ दीज क्या कहा जाता है उसको बताइए हम्म यस उसे हेट्रोस्टाइली कहा जाता है क्या कहा जाता है हेट्रोस्टाइली कहा जाता है यानी विश्व लैंगिकता कहा जाता है अगला सवाल जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था किसने जेनेटिक्स टर्म को दिया था ऑप्शन था तो जो मैंडल हैं, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, यानी अनुवांशिकी के जनक है मेंडल. बेटसन जॉनसन ने जीन टर्म को दिया था जीनोटाइप टर्म को दिया था फिनोटाइप टर्म को दिया था और प्योर लाइन टर्म को दिया था प्योर लाइन ये सारी टर्म्स किसने दी हैं जॉनसन ने दी है जो है, उन्होंने दी है उन्होंने ठीक है एपिस्टेसिस टर्म दी है दी है ठीक और इनको फादर डब्ल्यू बेट्सन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर बहुत ज्यादा जगह पे गलत लिखा होता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो हैं वो ठीक मेंडल है मेंडल तो, मेंडल मतलब तो के जन्म के पांच साल बाद जो है नामकरण किया जेनेटिक्स का तो दैट वॉज बेटसन बाबा और आई कांट बिलीव कि अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं मैंने एक फ्रस्टेट होकर शॉर्ट वीडियो भी दी थी कि जॉनसन ने नहीं दिया है जेनेटिक्स जेनेटिक्स शब्द में वेट है आपके दिमाग में वेट पड़ जाता है ना जेनेटिक्स पढ़ के छह बजे क्लास में आया करो रोज जेनेटिक्स ईजी हो जाएगा ठीक है ट्रस्ट में ओके जी तो जेनेटिक्स टर्म में वेट है क्योंकि जेनेटिक्स टर्म जिसने दी है उसके नाम में भी वेट है बेटसन ठीक है तो बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दी है ओके बाकी मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज पे काम किया है ड्रोसोफिला फादर ऑफ ड्रोसोफिला कहा जाता है ड्रोसोफिला के जनक और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी उन्हें कहा जाता है अगला सवाल अनुवांशिकी के जनक कौन है भाई मेंडल है अगर नॉर्मल जनक पूछे होंगे तो मैंडल है मैंने बता दिया आपको ओके uh, okay. मेंडल कौन थे एक पादरी थे एक मॉन्क थे कहां पर थे ऑस्ट्रिया से हैं ठीक है थीके? उन्होंने मटर के ये क्वेश्चंस बता रही हूं मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स से कि मेंडल ने कौन सी क्रॉप पे काम किया मटर के पौधे पे गार्डन पी पे काम किया था ठीक है Uh, उनका टाइम पीरियड कौन कितने टाइम का था मतलब 1856 में उन्होंने शुरू किया था अपना काम और 1863 तक उन्होंने अपना काम किया था ठीक है तिरसठ तक और उन्होंने जो है प्रिंसिपल के जो लॉज हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वो दिया था ओके चलिए हाँ एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा अच्छा ये अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि जीन शब्द का ये जीन शब्द जो है किसने दिया था जीन शब्द यस ए एफ ओ का एग्जाम भी बोथ लैंग्वेजेस में होता है हिंदी और इंग्लिश ठीक है बताइए बिल्कुल शिवम कुमार इतना इजी भी पूछ सकते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि मटर के पौधे पे किया था और कौन सा टाइम लैग पीरियड था उनका ठीक है तो बीएससी के बच्चों के लिए यही है ये कोई जेआरएफ का एग्जाम नहीं है स्टेट लेवल का एग्जाम है ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो हर लेवल की तैयारी करनी है और जो भी सिलेबस में मैंडल है ना मैंडल के लॉ है तो ये आएगा फिर बाकी तो मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती हूं बस सिलेबस में है ना तो आपको पढ़ना है तो जॉनसन ने दिया था जीन टर्म चलिए आगे जेनेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है तो जो टर्म एंटोमोलॉजी जी से ली गई है वही जी फॉर जेनेटिक्स जी फॉर ग्रीक भाषा से लिया गया है तो कौन सा आंसर हो जाएगा ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है जेनेटिक शब्द जिसका मतलब क्या होता है नहीं सोनाली हाँ वो ठीक है जो मटर के अलावा फ्रेंच बीन पे भी काम किया है ठीक है और चीजों पे भी काम किया है लेकिन जो लॉज दिए थे लॉज लॉज वो कौन से उसमें दिए थे वो मटर पे दिए थे ठीक है तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है अगला सवाल द डिफरेंसिस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज फॉर अ करेक्टर एक ही जाति में जो अलग अलग दिखाई देती है एक ही जाति में जो सदस्यों के बीच में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे वेरिएशन कहते हैं उसे विभिन्नता कहते हैं ठीक है ये भी पता होना चाहिए आपको थोड़े बेसिक्स हैं ये विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन आर नॉट हेरिटेबल हेरिटेबल हेरिडिटी का मतलब क्या होता है माँ बाप से बच्चों में करेक्टर्स का लक्षणों का जाना जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है वो बोलते हैं कि इसकी नाक किस पे गई है इसके पापा पे इसकी आंख इसकी आंखें इसके पापा पे गई हैं तो जो माँ बाप से बच्चों में जो लक्षण आगे जाते हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी वेरिएशन है जो आगे नहीं जाती है जो माँ बाप से बच्चों में नहीं जाती है दैट uh, इज अच्छा बहुत सारे बच्चे सी भी लिख रहे हैं सुनो मेरी बात ऑप्शन है एनवायरमेंटल जेनेटिक म्यूटेशन या तो, बदलाव आता है लेकिन ठीक है तो ये अगली में जाएगा। लेकिन जो पर्यावरण की वजह से हुआ है एनवायरमेंट की वजह से हुआ है वो आगे नहीं जाएगा तो ए आंसर सही होगा सी आंसर सही नहीं होगा बोला है कौन सा हेरिटेबल नहीं है नॉट हेरिटेबल तो अगर आप गोवा जाते हो घूमने साउथ जाते हो और आप थोड़े टाइम के लिए सांबले पड़ जाते हो तो वो टेम्परेरी होता है कुछ टाइम के लिए है ना डी टैन करा लिया गोरे हो जाओगे फिर से तो एनवायरमेंटल वेरिएशन जो है वो आगे नहीं जाती है अगला सवाल द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपियरेंस ऑफ द करेक्टर किसी भी अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाली रचना को क्या कहा जाता है क्या उसे हेरिडिटी कहा जाता है यानी अनुवांशिकता ठीक है uh, वेरिएशन यानी भिन्नता जीन uh, यानी कारक या म्यूटाजन uh, यानी उत्परिवर्तन बताइए हेरिटेबल चेंज इन जीड अच्छा ठीक है सोनाली ने डेफिनेशन बताई है ओके वेरी गुड उसे क्या कहा जाता है जीन बोलते हैं आई हे गॉट गुड जीन्स मां बाप से मुझे जींस मिली है डीएनए मिला है तो वो जीन्स ही हैं जो करेक्टर्स को लेकर जा रही हैं दूसरी पीढ़ी में ठीक है तो ए आंसर सही हो जाएगा हेरिडिटी तो होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑप पूछा है लेकर कौन जाता है तो जीन आंसर होगा ए आंसर नहीं होगा ठीक है इशरात और किसने लिखा ए दो तीन ने ए लिखा है स्वाति नो no. चलिए टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एक जीन के या एक ही कारक के जो दो वैकल्पिक रूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जैसे एक बीज है ना बीज या तो गोल भी हो सकता है या तो झुर्रीदार भी हो सकता है राउंड भी हो सकता है रिंकल्ड भी हो सकता है ठीक है अगर मैं बात करूँ हाइट की जो मेंडल ने ली थी लंबी हो सकती है छोटी हो सकती है तो ये जो दो ऑप्शन होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर ये क्या है ये सब क्या है अलील है ठीक है लेकिन लेकिन यहां पर कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं तो डी आंसर वाले सही है जरूर इसको एलील कहा जाता है लेकिन एलील और एलिलो मॉर्फ एक ही बात होती है कुछ अलग नहीं है अलीलो मॉर्फ ही एलील है उसको कट करके उसका शॉर्ट शॉर्ट जैसे आपके घर के नाम होते हैं ना आपका लंबा चौड़ा नाम होता है जैसे मेरा लंबा चौड़ा नाम है प्रतिभा मेरा घर में नाम प्रतिभा थोड़े ना मुझे मेरे घर वाले प्रतिभा थोड़े ना बोलते हैं मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं ठीक है तो शॉर्ट नेम वैसे अलीलो मॉर्स का छोटा नाम है अलील ओके चलिए सो डी अगला सवाल हाँ ठीक है द प्रेजेंस ऑफ टू सेम अलील इन अ जीन इज नोन एज जब जब एक ही कारक या एक ही जीन के अंदर जो दो एलील्स पाई जाती हैं दो युग्मकल्पी पाए जाते हैं वो एक जैसे होते हैं यानी बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी छोटा टी ठीक है तो उसे क्या कहते हैं बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी छोटा टी बड़ा आर बड़ा आर छोटा आर छोटा आर तो ये जो सारी चीजें हैं इन्हें क्या कहते हैं कैसे होमोजिनस कहते हैं क्या उसे हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं क्या उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं या उसे होमोजाइगस कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं होमोजाइगस उसे कहा जाता है इस कंडीशन को क्या कहते हैं होमोजाइगस कहा जाता है ठीक है जो भी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं वो गलत है ए का मतलब क्या होता है सेम पॉपुलेशन जब पूरी की पूरी जो है जनता जो है एक जैसी होगी पॉपुलेशन ही सेम होगी उसे कहेंगे होमोजिनस जो होमोजाइगस होता है वो एक इंडिविजुअल का होता है और यहां पर एक इंडिविजुअल का ही पूछा है जब, जब पूरी पॉपुलेशन की बात होगी तब उसे होमोजिनस और हेट्रोजिनस कहेंगे मतलब सेम पॉपुलेशन या डिफरेंट पॉपुलेशन ओके चलिए अगला सवाल है कि अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम वेयर अ जीन इज प्रेजेंट इज नोन एज जो गुण सूत्र होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम उनमें एक निश्चित स्थान होता है जहां पर एक जीन मौजूद होती है जीन का घर उसे क्या, कहते, है? क्या उसे? कहते हैं क्या उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं क्या उसे न्यूक्लियस कहते हैं क्या उसे जीन लोकस कहते हैं या उसे ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है क्या कहा जाता है उस पोजीशन को जहां पे जीन प्रेजेंट होती है तो उसे कहा जाता है जीन लोकस ठीक है लोकस कहा जाता है है वेरी गुड अगर जीन जो उसकी एक फ़िक्स्ड पोजीशन नहीं है दैट कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन दैट इज कॉल्ड जंपिंग जीन उसे क्या कहा जाता है उसे जंपिंग जीन कहा जाता है या ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहा जाता है चलिए अगला सवाल क्रोमोजोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम जो ये गुण सूत्र है डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर सी फ्लेमिंग या डी बैंडन बताइए ट्रांसपोजोन्स क्या होता है जंपिंग जीन को ही ट्रांसपोजोन्स कहते हैं है ना जब आपकी जो जीन है उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है अभी हमने कहा कि हर मैक्सिमम जो जीन्स होती है उनकी क्रोमोजोम पे एक निश्चित आधारित जगह होती है ठीक है कि ये जैसे आपको पता है ये मेरा घर है ठीक है जैसे मेरा है मेरा हिमाचल में घर है मेरा फिक्स्ड घर है वो कहीं नहीं जाएगा उड़ के लेकिन मैं क्या हूँ मैं एक जंपिंग जीन हूँ मैं कभी हिमाचल में हूँ कभी दिल्ली में हूँ कभी कहाँ हूँ कभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है सोलन ठीक है तो मैं क्या कर रही हूँ मैं जंपिंग जीन हूं मैं अपनी लोकेशन बदल रही हूँ है ना जब मुझे सोलन में पढ़ाई करनी थी तो मैं सोलन में हॉस्टल में रह रही थी जब यहाँ पे पढ़ना यहाँ पे घर पे थी तो घर पे थी स्कूल में अब यहाँ पे काम कर रही हूँ तो यहां पे रह रही हूँ तो जिसकी एक निश्चित घर नहीं है जो बस जंपिंग जीन है है ना तो दैट इज कॉल्ड हम्म वेरी गुड द राइट आंसर इज ट्रास बर्गर कैसे याद रखोगे s for straus berger s for seen तो सीन मतलब देखा सबसे पहले किसने देखा straus ने देखा a waldeer ने क्या किया waldeer ने नामकरण किया क्या किया नामकरण किया यानी जो टर्म है वो किसने कॉइन की टर्म कॉइन की क्रोमोजोम वाल्डेयर ये जो नाम दिया है ना क्रोमोजोम. ठीक है हाय यार बर्गर मत बनाओ यार चैट में बाप रे हस्बैंड अभी है ही नहीं तो हस्बैंड के यहां पे कैसे जाऊं है ना हस्बैंड अभी बनेंगे अगले महीने है ना चलिए सो राइट तो सबसे पहले डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने और वॉल्डियर ने टर्म दी थी चलिए अगला सवाल सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन सेल साइकिल फ्रॉम द ऑप्शन लिस्टेड बिलो नीचे जो आपकी सूची दी गई है उसमें सही सीक्वेंस uh, बताना है आपको भाई ये सीक्वेंस मैंने आपको बहुत बार एक ट्रिक से याद करवाया है ऑप्शन आर इंटरफेज मेटाफेज टीलोफेज प्रोफेज एनाफेज गलत इंटरफेस प्रोफेज मेटाफेज टिलोफेज एनाफेस गलत इंटरफेस प्रोफेस एनाफेज टिलोफेज मेटाफेज गलत इंटरफेस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेस टीलोफेज सो डी इज द राइट आंसर ठीक है तो इंटरफेस और उसके बाद पी मैट पी मैट ये भाई पी मतलब प्रो आप किसी के घर पे फंक्शन में पहले चले जाओगे तो आपको बोला मैट बिछाने के लिए दरिया होती है ना बेटा ये मेहमान आने वाले हैं दरिया बिछा दो वो लगा दो चेयर वेयर लगा दो है ना पी मैट तो सबसे पहले प्रोफेस मेटाफेज एनाफेस टीलोफेज और उससे पहले इंटरफेस तो दिस इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेजेस ऑफ म्यूसिस ठीक है मतलब chromatin change होता है chromatids के बीच में जो है डीएनए मटेरियल चेंज होता है किसमें होता है क्या वो जयगोटीन में होता है क्या वो डायक में होता है क्या वो डिप्लोटीन में, में होता है या वो पैकेटीन में होता है तो अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं जहां पर जहां पर दो होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर तो डिफिकल्ट शब्दों में पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होती है ठीक है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से होते हैं जिनके गोलू अलग हो जैसे इस क्रोमोजोम का गोलू ये है तो ये दोनों आपस में आ, ये जिनका सेम है वो सिस्टर है इसका और इसका आपस में अलग सेंट्रोमेयर है ठीक है अलग अलग है तो ये दोनों नॉन सिस्टर हैं और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटेड के बीच में होती है ठीक है यस अगला सवाल है यहां पे डी आंसर बिल्कुल सबका सही है ये क्वेश्चन सेल डिवीजन वाले करना ये पूछे जाते हैं है ना चलिए अगला साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस वन एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है एस फॉर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एस फॉर सीडीदार स्ट्रक्चर तो एक ना ऐसा लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है इट इज अडर लाइक स्ट्रक्चर लेडर मतलब सीडीदार स्ट्रक्चर वो कहाँ पर पाया जाता है क्या वो जाइगोटीन में पाया जाता है लैप्टोटीन में पाया जाता है में पाया जाता है या डिप्लोटीन में पाया जाता है बताइए किसमें पाया जाता है बिल्कुल में पाया जाता है जहां पर जोड़ियां बनती हैं साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है याद रखना जब आपकी जोड़ियां बन जाती है ना आपकी शादी होती है तो सब लोग स्नैप लेते हैं स्नैप फोटोज लेते हैं स्नैप स्नैप से याद रखना साइनेप्सिस साइनेपसिस मीनिंग द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम जब जोड़ियां बन जाती हैं पेयरिंग हो जाती है उसे कहते हैं साइनेप्सिस जो कि जाइगोटीन में होती है वहीं पर आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है सीढ़ीदार दार स्ट्रक्चर ठीक है यस yes, रब ने बना दी जोड़ी हम चलिए अगला ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस के दौरान जो हिस्टोन प्रोटीन बनती है वो कहां पर बनती है क्या वो माइटोटिक चरण में बनती है क्या वो जीवन में बनती है क्या वो एस फेज में बनती है या वो जी टू चरण में जी टू फेज में बनती है कहां पर बर बनती है हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल गौतम प्रतिमा बिल्कुल सही है एस फेज जिसे सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है वहीं पर आपका डीएनए भी बनता है वहीं पर आपकी हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ ही जुड़ी हुई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ओके जी चलिए इसके बाद है टू एन माइनस वन डिनोट्स वट इज टू एन माइनस वन क्या होता है टू एन माइनस वन तो आ, क्या नलीसोमिक मोनोसोमिक ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक क्या कहा जाता है इनको तो ये आपका पॉलीपोलाइडी का टॉपिक है क्या आप सबको पता है कि आपकी बॉडी में टू सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं एक सेट आपकी मम्मी से आया है एक सेट आपके पापा से आया है और आपके पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है यानी टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम है टू सेट ऑफ क्रोमोजोम इसे कहा जाता है डिप्लॉइड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम टू सेट ऑफ क्रोमोजोम गुणसूत्रों के दो सेट अब अगर ये टू एन से थ्री एन हो जाता है फोर एन हो जाता है यानी नंबर ऑफ सेट इंक्रीज होते जाते हैं है ना इंक्रीज uh, होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो इसे कहते हैं पोली पोलॉइडी क्या कहते हैं पॉली मतलब बहुत ज्यादा पोलॉइडी मतलब पोलॉइडी लेवल बढ़ चुका है गुणसूत्रों का संख्या बढ़ चुकी है और ये जब पूरे के पूरे सेट बढ़ जाते हैं थ्री एन ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉइड पेंटाप्लॉइड हेक्साप्लॉइड हेप्टाप्लॉइड जब ये बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं तो इसे कहते हैं यू पलॉयडी यू पोलॉइडी यू मतलब ट्रू सच्ची वाली जहां पे सेट बढ़ रहे हैं अब यहीं पर क्या होता है कई कभी कभार क्या होता है दो में से सिर्फ एक क्रोमोजोम माइनस होता है या दो क्रोमोजोम माइनस होते हैं या एक क्रोमोजोम प्लस होता है या एक क्रोमोजोम माइनस होता आ, या दो क्रोमोजोम प्लस होते हैं जब पूरा सेट ना बढ़कर सिर्फ एक या दो क्रोमोजोम कम और ज्यादा होते हैं तो इसे कहा जाता है एनयू क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है एन यू पलॉडी एन यू पलॉइडी ठीक है तो यहां पर टू एन माइनस वन क्या हो जाएगा आपका मोनोसोमिक हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा मोनोसोमिक हो जाएगा चलिए इसके अलावा और भी बता देती हूं टू एन माइनस वन इज इक्वल टू मोनोसोमिक अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा टू एन माइनस टू तो उसे कहेंगे नलीसोमिक या नली सोमी या नलीसोमिक ठीक है अगर पूछा जाएगा टू एन प्लस वन तो उसे कहेंगे ट्राइसोमिक अगर पूछा जाएगा टू एन प्लस टू तो इसे कहेंगे टेट्रासोमिक टेट्रा सोमिक इसके अलावा एक और कंडीशन होती है टू एन माइनस वन माइनस वन इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक क्रोमोजोम जो है वो प्लांट हाइट से माइनस हुआ है एक क्रोमोजोम सीड कलर से माइनस हुआ यानी दो अलग अलग करेक्टर से माइनस हुई है इसे कहते कहते हैं हैं डबल डबल मोनोसोमिक क्या कहते डबल। दो बार एक, -एक से माइनस हुआ है डबल मोनोसोमिक एक कंडीशन होती है टू एन प्लस वन प्लस वन ठीक है तो इसे कहते हैं डबल ट्राइसोमिक डबल ट्राइसोमिक तो यहां से पूछ लिया जाता है बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ठीक है बदल बदल के पूछ लिया जाता है तो ये सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए मैं साइड हो हो जाती इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना ओके okay, चलिए तो यहां पर आंसर जाएगा बी दैट इज मोनोसोमिक अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इलेजिटीमेट क्रॉसिंग ओवर इलेजिटिमेट मतलब इलीगल मतलब ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है है ना uh, नजायज वी कैन से है ना अब किसको कहते हैं इन्वर्जन को कहते हैं म्यूटेशन को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन को कहते हैं या ट्रांसलोकेशन को किसको कहा जाता है क्रॉसिंग 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 ओवर 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 तो सबको पता है कि में क्या हो रहा था दो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोजोम जिनका क्रोमेटिक लेंथ भी सेम होता है उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा था लेकिन बिल्कुल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में नॉन अच्छा पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्या है ये एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है और इसके साथ ही ये तीसरा क्रोमोजोम है अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एक जैसे हैं इनका सेंट्रोमियर पोजीशन भी एक जैसा है इनकी लेंथ भी एक जैसी है और उनके ऊपर जीन्स भी एक जैसी पाई गई हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है ठीक है तो ये जो परफेक्ट जोड़ी है इन्हें कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम क्या कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम या गुणसूत्र लेकिन ये जो दोनों हैं, इनकी कोई जोड़ी नहीं है आपस में ठीक है इनके अंदर जीन्स भी अलग अलग पाई जाती हैं तो इसे कहेंगे नॉन होमोलोगस कोई मैच ही नहीं है भाई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों आपस में ठीक है अगर गलती से इन दोनों के सेगमेंट्स के बीच में एक्सचेंज हो जाता है ट्रांसलोकेशन हो जाती है तो दिस इज नॉट वैलिड ये नजायज है ठीक है तो इसे कहेंगे इलजिटीमेट क्रॉसिंग ओवर जो ये क्या हो रहा है ट्रांसलोकेशन हो रही है जहां पर भी ट्रांस वर्ड आएगा आपकी जिंदगी में चाहे ट्रांसफर वर्ड आएगा ट्रांसलेशन ट्रांसडक्शन ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर मतलब बदलाव चेंज हो जाना इधर से उधर चले जाना ठीक है तो ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर डी कर लेना इसको ठीक है ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर अगला मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए विपरीत लक्षणों की कितनी जोड़ियों को चुना हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैज बीन वर्ड स्टडीड मेंडल कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है Yes, नो ब्लैक वाइट टॉल डवाफ राउंड रिंकल्ड ये जो सारे वैकल्पिक रूप आपने देखे ना जो जेनेटिक में आपने वो पढ़ा है ना वो सारे होते कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स ठीक है अब एलील तो है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये एलिज हैं लेकिन इससे जो करेक्टर डेवलप हो रहे हैं टॉल डवाफ राउंड रिंकल्ड पर्पल वाइट यस नो ये कॉन्ट्रास्टिंग है तो Mendel ने पूरी सात जोड़ियों को चुना ठीक है सेवन पेयर्स को चुना अपने एक्सपेरिमेंट uh, लिए जो उन्होंने लॉस दिए थे ठीक है अगला सवाल द रिजल्टेड एफ वन विल बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स इन कहा गया है कि जब आप दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराओगे यानी रेड को अगर आप वाइट से क्रॉस कराते हो संकरण कराते हो तो जो एफ वन है जो बेबी बनेगा जो एफ बनेगा वो इन दोनों से ही अलग हो जाएगा वो इन दोनों से ही अलग होगा तो ऐसा किसमें होता है बताइए क्या वो कंप्लीट डोमिनेंस यानी पूर्ण प्रभाविता में होता है क्या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता में होता है क्या उसे सप्रभाविता यानी को में होता है या सभी में हो जाता है हम्म वेरी गुड सबका आंसर सही है किसमें होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है कि जो F1 है वो माता और पिता दोनों पेरेंट से अलग होता है ठीक है कुछ उन दोनों का बीच का इंटरमीडिएट होता है तो राइट आंसर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस राइट को डोमिनंस में नहीं होता है ना कोडोमिनेंस में अलग नहीं होता है मतलब कोडोमिनेंस में दोनों के करेक्टर्स आते हैं कहीं ना कहीं अलग नहीं होता कि बिल्कुल ही अलग हो जाए ठीक है डोमिन का मतलब है अगर आप व्हाइट काओ को ब्लैक काओ के साथ क्रॉस कराओगे तो आपको जो F1 है उसमें ब्लैक कलर भी दिखेगा व्हाइट कलर भी दिखेगा सफेद और काले दोनों रंग जैसे अमूल गाय होती है ना वो तो करेक्टर्स तो दोनों के हैं दोनों पेरेंट्स के हैं तो उसको हम नहीं बोल सकते कि वो अलग है वो दोनों के दिखा रहा है ठीक है तो इनकम्प्लीट ही सही आंसर होगा अगला सवाल अच्छा ये जो बड़े बड़े सवाल होते हैं इनसे डर के भागना नहीं है इनको पढ़ो बहुत आसान होते हैं ये तो अगला सवाल है द जीन्स विच एक्ट टूगेदर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट बट सेपरेटली विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट इफेक्ट क्या कहा गया है कि ऐसी नॉन एलिल जीन्स जब वो मिल जाती हैं, तो वो कुछ अलग ही इफेक्ट दिखाती हैं लेकिन जब वो बिछड़ जाती हैं तो वो इफेक्ट नहीं दिखा पाती हैं जैसे आप और आपका बेस्ट फ्रेंड जब आपस में मिल जाए तब होगी खुराफात लेकिन दोनों में से एक भी एबसेंट है या दुखी है तब वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा खुराफात नहीं आ पाएगी ठीक है तो ऐसी दो जीन्स को क्या कहा जाता है क्या उसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं यानी पूरक जीन क्या उसे कहते क्या उसे इनहिबिटरी जीन कहते हैं या उसे ऑल ऑफ दीज कहते हैं तो बिल्कुल उसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ऐसी जीन्स है फॉर एग्जाम्पल पी एंड पी कैपिटल सी कैपिटल सी सी और पी कैपिटल पी होना चाहिए स्मॉल पी स्मॉल पी ये देगा सफेद रंग इनटू स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी ये भी देगा सफेद रंग क्योंकि इसमें बड़ा पी नहीं है इसमें बड़ा सी नहीं है अपने को चाहिए कि दोनों एक साथ हो कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ होने चाहिए अब जब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो आपका बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी तो अब बड़ा सी भी आ गया बड़ा पी भी आ गया तो ये पर्पल कलर बनाएगा कैसा रंग बनाएगा पर्पल कलर बनाएगा तो इसका मतलब जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो वो कुछ अलग ही टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ठीक है, रिलेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पूरक जीन्स जो एक दूसरे को पूरा करे तो अस्मिता पूछ रही है कि एपिस्टेसिस भी मैं बता दू चलिए बता देती हूं एपिस्टेसिस क्या होता है जो एपिस्टेसिस है हमेशा आपको मैं एक डिक्शनरी मेंटेन कर करने को बोलती हूँ अगर आप मेरी शाम को छह बजे की क्लास देखते होंगे तो आपको मैंने एक नोटबुक लेने के लिए बोला है जेनेटिक्स प्लांट बीडिंग की और जो इस तरीके की डिक्शनरी में शब्द होते हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ तो एपी का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ एपी एपी का मतलब होता है ऊपर क्या होता है ऊपर हाइपो का मतलब क्या होता है हाइपो हाइपो का मतलब होता है नीचे हाइपो का मतलब होता है नीचे तो एपिस्टेसिस जो है वो बिल्कुल डोमिनेंस जैसा ही है बिल्कुल डोमिनेंस जैसा है लेकिन डोमिनेंस डोमिन जींस में अगर कोई एक जीन जो है एक जीन वो दूसरी जीन को बिल्कुल उसके प्रभाव को खत्म कर रही है तो उसे कहते हैं एपिस्टेसिस कोई ऊपर वाली पोस्ट में है मान लिया कोई डीन है या वाइस चांसलर है है ना वो क्या करेगा जो छोटा कोई अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बना है वो वाइस चांसलर के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है है ना जैसे कि डोमिनेंट और और रिसेसिव एलील थी प्रभावी अप्रभावी युग्म वैकल्पिक वैसे ही यहां पर होता है बस एपिस्टेसिस हम जीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं युग्म वैकल्पिक के नहीं जीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है ओके डन तो इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो ऐसी जब एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को है ना बिल्कुल खत्म कर दे उस फिनोमिना को कहते हैं एपीस्टेसिस और वो जीन जो प्रभाव कर रही है उसे कहते हैं एपीस्टेटिक जीन और जो हो रही है उसे कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन जो प्रभावित हो रही है जो दब रही है नीचे उसे कहते हैं है हाइपोस्टैटिक जीन और ये जो दबा रही है उसे कहते हैं एपीस्टैटिक जीन और इस फिनोमिना को कहते हैं एपीस्टेसिस ठीक है चलिए तो प्लियोट्रॉपिक जीन बतानी है प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है प्लियोट्रॉपिक जीन व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक जीन प्लियोट्रॉपिक जीन है एक ऐसी अकेली जीन जो बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करती है कंट्रोल्स मैनी करेक्टर्स बहुत सारे लक्षणों को जो नियंत्रित करती है उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन ठीक है जैसे अभी मैं ना इस कैमरा के इस साइड यहां अकेली खड़ी हूं अकेली खड़ी हूं लेकिन तुम जो है यहां पर एक साथ हो इतने सारे ठीक है तो जो अकेली सिंगल जीन होगी जो बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करेगी उस अकेली जीन को कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन हमने तीन टाइप पढ़े एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है मोनोजेनिक बहुत सारी जीन्स एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है पॉलीजेनिक अब एक बिचारी जीन्स बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित कर रही है दैट इज प्लियोट्रॉपिक जीन ठीक है करेक्शन का डेट मुझे नहीं पता है कि मिल, मिलेगा या नहीं मिलेगा होपफुली मिल जाए बट है ना ठीक है बट आई डोंट नो एक बार वहां पे लिखा था बड़ा बड़ा करके कि एक बार गलती होगी तो उसको चेंज नहीं कर सकते बट स्टिल प्लीज बॉक्स को वो भरो मत मैंने पढ़ लिया और आपका रिप्लाई भी कर दिया बार बार मत लिखो ठीक है ओके okay, साक्षी आनंद पूछ रही है तो फिर पॉलीजेनिक क्या हुआ भाई मैंने कहा जीन सिंगल जीन है सिंगल सिंगल जीन जीन क्या है सिंगल जीन है है पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक तो तो इस का तो मतलब ही होता मैनी जीन्स मैनी जीन्स दोनों अलग है ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि बहुत सारे बच्चे प्लियोट्रॉपिक जीन और पॉलीजेनिक में कंफ्यूज होते तो उसमें कमेंट आया था कौन है ये बच्चे है ना तो उसने कभी पढ़ा नहीं होगा हर हर तरह के कंफ्यूज आ जाती हैं पढ़ते वक्त ठीक है और आना जरूरी है अगर आप पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन का होना जरूरी है ठीक है तो यहां पर देखो जीन सिंगल जीन होती है और पॉलीजेनिक जो है वो मैनी जीन्स होती हैं जो सिर्फ एक करेक्टर को कंट्रोल कर रही है दोनों अपोजिट है एक दूसरे से समझ गए यहां पर एक जीन बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करिए यहां बहुत सारे जीन्स एक करेक्टर को कंट्रोल करिए दोनों साथ में लिख दिए मैंने क्लियर हो गया हम्म चलिए ओके नेक्स्ट ग्रीगोर जॉन मैंडल ने जो ये हमने कर लिया भाई मटर के पौधे में किया था इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगला सवाल मटर को क्यों चुना था मैंडल ने वाई मैंडल चोज गार्डन पी मटर को क्यों चुना था तो क्या उसे आसानी से उगाया जा सकता है उद्यान में यानी इसका कल्टीवेशन ईजी है uh, क्या ये एनुअल पौधा है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है इसलिए किया था uh, क्या उसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं यानी विपरीत लक्षण होते हैं इसलिए किया था तो ये सारे के सारे रीजन है uh, जिनकी वजह से मेंडल ने मटर को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने लॉज के लिए ठीक है चलिए सो हाँ ठीक है अगला सवाल यहाँ पर है कि इन विच लॉ अच्छा अब लॉज मेंडल ने दो ही लॉ दिए थे याद रखना अगर तुमसे पूछा गया कि मेंडल ने कितने लॉ दिए थे दो ही लॉ दिए थे ठीक है और वो लॉ थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी करण का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ठीक है आपको बता और तीसरा जो था उसको उसको लॉ सिर्फ नाम में ही है लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम वो सिर्फ नाम में ही लॉ है उसको कॉन्सेप्ट घोषित कर दिया गया है दैट इज नॉट अ लॉ ठीक है तो भाई इन विच लॉ वेन अ पेयर इज क्रॉस्ड इन टू एनी टू प्योर ऑर्गेनिज्म ओनली वन ट्रेड ऑफ अ पेयर इन द अपियन जनरेशन तो उसे क्या कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं है ना ये ए बी सी डी क्यों लिख रहे हैं भैया क्या है हम्म डी क्यों लिख रहे हो शुभम दिव्यांशु वाय पूछा गया है कि कौन से जोड़े में जब दो दो प्योर ऑर्गेनिज्म को प्योर मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी स्मॉल टी तो ओनली वन ट्रेड ऑफ अ पेयर अपियर इन द एफ वन जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो एफ वन में सिर्फ एक पेयर दिखेगा जो कि टॉल है अगर आप टॉल और दवाव को क्रॉस कराओगे तो उसमें जो एफ वन में जो दिखेगा एक ही दिखेगा तो ये है आपका प्रभाविता का नियम मैंने कहा नाम में ही नियम है सिर्फ नाम में हम लॉ यूज करते हैं ठीक है लेकिन इट इज कॉन्सेप्ट ओके चलिए अगला सवाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इन एफ वन जनरेशन इनमें से किस में दोनों एलि एफ वन जनरेशन में खुद को व्यक्त करती हैं दिखाती हैं मतलब दोनों टक्कर से टक्कर मिला के चलती हैं कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है बताइए इनकंप्लीट डोमिनेंस अपूरण प्रभाविता को डॉमिनेंस सह प्रभाविता मल्टीपल एलिज्म बहुविकल्पता या ऑल ऑफ दिस उपरोक्त, उपयुक्त उपरोक्त ऊपर वाले सभी है ना बताइए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ठीक है बता देती हूं लास्ट में रुक जाओ को डोमिनेंस कहते हैं सप्रभाविता को का मतलब होता है इक्वल equal. दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे अगर ब्लैक काओ है काओ है तो एफ वन में ब्लैक एंड व्हाइट काओ आएगी दोनों एक्सप्रेस करेंगे या ए बी ब्लड ग्रुप होता है ए भी एक्सप्रेस करता है बी भी एक्सप्रेस करता है खुद को तो ए बी ब्लड ग्रुप नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेंडरी निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटेंडरी नहीं है प्रोटेंडरी क्या होता है प्रो मतलब पहले एंड्री मतलब एंड्रोशियम ठीक है एंड्रोशियम मतलब मेल तो जो नर होता है जो मेल अंग होते हैं या मेल पार्ट्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं यानी एंथर पहले ही खुल जाता है पोलन वाइबल हो जाते हैं लेकिन स्टिग्मा अभी तक रिसेप्टिव नहीं है फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ है तो ये किस में नहीं होता है प्याज में तो होता है गाजर में भी होता है भिंडी में नहीं होता है तो सी इज द राइट आंसर अनियन कैरेट और वॉलनट में प्रोटेंड्री कंडीशन होती है

करेक्टर डिटरमाइंड बाय मैनी जीन्स इज नोन एज जब एक लक्षण कई जीनों द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं ये मैंने अभी अभी समझा भी दिया जिसके समझ में आएगा वो सही से आंसर करेगा बताओ तो आ, क्या उसे क्वालिटेटिव करेक्टर्स कहेंगे यानी गुणात्मक चरित्र ऑलिगोजेनिक करेक्टर कहेंगे होता है फ्यू कुछ क्वॉंटिटेटिव यानी मात्रात्मक या मोनोजेनिक क्या कहेंगे उसे नाश्ता तो क्या करना है अब लंच ही करना है हाँ चार बजे मेरी पेड क्लास है बीएओ वालों की उससे पहले खत्म कर दूंगी ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव करेक्टर्स क्वांटिटेटिव जब आपको क्वांटिटी की बात आती है तो सबको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है पॉली मतलब मैनी तो जो पॉलीजीन से ऐसे करेक्टर जो बहुत सारी जीनों के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं उन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव करेक्टर और जहां पे क्वालिटी की बात आती है गुणवत्ता की बात आती है वहां पर एक ही काफी है मैं हमेशा बोलती हूँ एक तरफ आप गए हो किसी मॉल में एक तरफ आप गए हो सरोजनी मार्केट ठीक है मॉल से आप एक क्वालिटी वाली चीज लाओगे चाहे एक ही जैकेट लाओगे एक मोनोजेनिक एक लाओगे लेकिन वो क्वालिटी वाली होगी तो क्वालिटी वाले करेक्टर्स होते हैं मोनोजेनिक करेक्टर्स क्वालिटी और मोनोजेनिक जब आप सरोजनी में जाओगे आपके पास क्वांटिटी होगी बहुत ज्यादा पॉली Poly, पॉलीजेनिक क्वांटिटी होगी बहुत ज्यादा लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो जो आपके क्वांटिटेटिव करेक्टर्स होते हैं वो पॉलीजेनिक करेक्टर्स उनको कहा जाता है क्लियर चलिए नेक्स्ट हाँ मेंडल वर्कड ऑन विच टाइप ऑफ ट्रेड जो मेंडल है ना हमारे अनुवांशिकी के जनक उन्होंने कौन से लक्षणों पे काम किया है क्या उन्होंने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पे काम किया है क्या उन्होंने पॉलीजेनिक करेक्टर्स पे काम किया है क्या उन्होंने मोनोजेनिक करेक्टर्स पे काम किया है या उन्होंने प्लीओट्रॉपिक करेक्टर्स पे काम किया है हाँ नीलसन एहले ने क्वांटिटी पे किया है वेरी नाइस बताइए अरे बापरे <laughs> लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे गलत है याद रखो मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जनक हैं वो अनुवांशिकी के उनमें कुछ तो क्वालिटी होगी कि वो जनक है ऐसे याद रखना क्वालिटी क्वालिटेटिव ट्रेड्स पे काम किया था मेंडल ने क्वालिटी ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लासेस होती है डिस्टिंक्ट क्लासेस लाइक टॉल डवाफ राउंड रिंकल्ड क्वांटिटी तो वो होती है जिसको मेजर किया जा सके अगर मेंडल ने क्वांटिटी पे काम किया होता तो मेंडल हाइट uh, को टॉल और डवाफ में नहीं लेते है ना बोने या लंबे में नहीं लेते वो लेते 90.5 सेंटीमीटर हाइट है है ना 50 सेंटीमीटर हाइट है जो कि अब हम लेते हैं जब मैंने रिसर्च किया था तो मैंने अपना जो आ, दोनों जगह पे वेरिएबिलिटी और हेट्रोसिस कंबाइनिंग एबिलिटी पीएचडी में भी और एमएससी में भी तो दोनों टाइम में मैंने प्लांट हाइट को एज अ वो उससे मेजर किया सेंटीमीटर्स में, में मेजर किया है ठीक है नाइन्टी सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर तो अभी वो क्वांटिटी हो गया अदरवाइज मेंडल ने क्वालिटी वाले करेक्टर्स मोनोजेनिक ट्रेड्स पे काम किया था ठीक है तो देखो देखो जी अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि क्वा, 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 क्वालिटेटिव ट्रेड्स को ही मोनोजेनिक ट्रेड्स कहा जाता है तो अगर क्वालिटेटिव नहीं ऑप्शन में तो मोनोजेनिक तो है ना मोनोजेनिक तो है तो क्या आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा अगला सवाल टर्म सिस्ट्रॉन वॉज क्वाइंट बाय सिस्ट्रॉन शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था किसने दिया था Mendel ने, बेटसन ने बेंजर ने या जॉनसन ने किसने दिया था रविंद्र अगर आ, आज आप एजी में कितने का कोर्स मिलेगा नाइन नाइनटी नाइन का ठीक है नौ सौ निन्यानवे रुपए का कोर्स मिलेगा टीए का ठीक है अस्सी परसेंट ऑफ है बस आपको वहां पे कोड लगाना है वाई सेवन एट वन ए वाई सात सौ इक्यासी ए तो आपको जो टी ए है यूपी ट्रिपल एस एजी टी ए उसका बैच अस्सी प्रतिशत पे मिल जाएगा ठीक है अब आगे पढ़े चलिए आगे पढ़ते हैं <coughs> हाँ यार ये मैं बताना भूल गई तुम्हें हमारे साथ पेड बैचेज में जुड़ना है तो इस वक्त एट्टी परसेंट का डिस्काउंट ऑफर ओपन है डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिखा है वाई सेवन एट वन ए इसको जो है आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना और अभी आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो उसमें एट्टी परसेंट तक का ऑफ मिल जाएगा कैसे वो मैं लास्ट में बताऊंगी अभी पढ़ लेते हैं चलो तो बेंजर ने जो है सिस्ट्रॉन टर्म को दिया था सिस्ट्रॉन होता क्या है तो जीन जो है जीन ओके जीन हमने कहा जीन क्या होती है डीएनए का छोटा भाग छोटी इकाई होती है बेंजर ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया आधुनिक कॉन्सेप्ट दिया कि जीन के भी आगे एलिमेंट्स होते हैं भाग होते हैं जीन भी आगे डिवाइडेड है किसमें म्यूटॉन में, में सिस्ट्रॉन में और रिकॉन में जिसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सिस्ट्रॉन सबसे छोटा होता है म्यूटॉन ठीक है तो सिस्ट्रॉन किसने दिया बेंजर ने दिया हाँ महापैक में भी एटी परसेंट है ओके okay? हाँ अगर आप महापैक में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो तो आपको एग्रीकल्चर के सारे के सारे बैचेस मिलेंगे नेट जे आर को छोड़ के ठीक है तो तो आपको नहीं लेना है टीए अलग से पर अगर आप महापैक नहीं लिया है तो आपको टीए अलग से लेना है चलिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ये जो वन जीन वन एंजाइम है वो कहां पर आ, किसने दिया था पी डी एफ कहाँ मिलेगी मेन uh, चैनल पे या कोई और है ने ने मेरी कम्युनिटी पे ना वो जो है नहीं ठीक है ओके okay. तो किसने दिया था ये दिया था बीडल एंड टैटम ने किसने दिया था बीडल एंड टैटम ने दिया था, था. चलिए अगला क्रेडिट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीजे फॉलोइंग जो एपीजे की अवधारणा है वो उसका श्रेय किसको जाता है किसने दिया एपीजेनेसिस का थ्यूरी वुल्फ ने दिया डार्विन ने दिया लेमाक ने दिया या स्वेमा डैम ने दिया तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एपी का मतलब होता है ऊपर अच्छा बच्चे बोल रहे हैं है, मैम लंच करना है तो साढ़े तीन बजे छोड़ दीजिएगा जरूर बजे छोड़ दूंगी मैं ठीक है मुझे भी लंच करना है यार अब तो पेट पेट गुड़ -गुड़ करने लगा है <laughs> है कह रहा खाना दो मुझे चलो तो देखो कैसे याद कराया था एपी का मतलब होता है ऊपर पहाड़ पे ऊपर जाके कौन बैठता है भेड़िया वुल्फ बैठता है ऐसे करते है ना पहाड़ी पे वो ऐसे करके तो एपीजेसिस ऊपर कौन बैठता है भेड़िया वुल्फ तो वुल्फ ने एपीजेनेसिस थ्योरी दी ये थी ट्रिक अब इस एपीजेिस थ्योरी ये जो थी वर्ल्ड में सबसे यूनिवर्सल मानी गई कि एक्सेप्टेड की गई कि ये थ्योरी थोड़ी काम की है इसमें कहा गया कि जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंस होता है जब वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मिलता है तो एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो ये थोड़ा बहुत सेंस बना रहा था थ्योरी तो इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया राइट चलिए सो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट बस ठीक है ये नहीं Yes. In plant याद रखना मेंडल का जो पेपर था ना उसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बहुत जगह पर आपको गुमराह किया जाता है ऑप्शन में रखा जाता है एक्सपेरिमेंट इन पी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स इन पी प्लांट ये और आपको लगता है यार हाँ मटर पे ही किया था तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए नो no. उनका जो पेपर था उन्होंने मटर वटर कुछ नहीं मेंशन किया था उनके पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ठीक है और ये कब पब्लिश हुआ था बिल्कुल कब पब्लिश हुआ था किस में हुआ था एटीन सिक्सटी सिक्स में हुआ था यार 1865 में पेपर को प्रेजेंट किया था है ना? पेपर को प्रेजेंट किया था पेपर पब्लिश पब्लिश कब हुआ था पब्लिश ठीक है प्रकाशित कब हो गया था आपका 1866 में हुआ था तो सी इज द राइट आंसर अगला है इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ इन पी मैंडल ने इनमें से कौन से लक्षणों को नहीं पढ़ा था अपने एक्सपेरिमेंट uh, में तो क्या बीज का रंग पढ़ा था बीज का रंग फ्लावर की पोजीशन कि फूल कहां पर लगेंगे वो भी पढ़ा था पॉड का कलर या पॉड का डायामीटर क्या नहीं पढ़ा था यह पूछा गया है पॉड का डायामीटर नहीं पड़ा था उन्होंने डायामीटर का कुछ नहीं बताया था डायामीटर तो क्वांटिटी वाला हो गया तो यह नहीं बताया था ठीक है अगला ठीक है अभी रेशियोज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो रेशियोज बता देती हूं सबसे पहले इनकंप्लीट डोमिनेंस में जो मोनो हाइब्रिड रेशियो होती है फिनो की वो क्या होती है वन रेशियो टू रेशियो वन थ्री रेशियो वन वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो वन या नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन कितनी रेशियो होती है बताओ हम्म hmm. कितनी रेशियो होती है वेरी गुड सोनी रॉय का सही है और सोनी सिंह का सही है यार सोनियो का ही सही है प्रियंका चौधरी ओके okay, गुड तो द राइट आंसर इज वन रेशियो टू रेशियो वन अब ध्यान रखना फिनो पूछा है लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूछा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनो और जीनोटाइप दोनों ही वन रेशियो टू रेशियो वन होते हैं को में भी को में भी दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप वन रेशियो टू रेशियो वन होते हैं समझ गए याद रखना अभी मैं बना के नहीं दिखा सकती लंबा टाइम लगेगा मैंने बड़े सारे सेशंस में बताया है पर ये याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को इन दोनों में ही फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन होती है थ्री रेशियो वन होती है फिर जो कंप्लीट डोमिनेंस है जो पूरी की पूरी कंप्लीट वाली डोमिनेंस है जो मेंडल ने बताई थी उस केस में आपका जो फिनोटाइप रेशियो फिनोटिपिक रेशियो थ्री रेशियो वन होती है और जीनोटिपिक रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन होती है अदरवाइज इनकम्प्लीट और को में इट इज वन रेशियो टू रेशियो वन थ्री रेशियो वन सिर्फ कंप्लीट में होगी इतना ध्यान रखना फिनो में वो भी बाकी सब जगह पे वन रेशियो टू रेशियो वन होगी ठीक है हाँ अभी देखो मैंने क्वेश्चन आने से पहले आंसर बता दिया तुम्हारा मुझे बाद में दिखा चैट तो थ्री रेशियो वन कम्प्लीट वाले डोमिनेंस में होगी इनकम्प्लीट वाले में नहीं होगी को डोमिनस वाले में नहीं होगी समझ में आ गया हम्म चलिए इसके अलावा अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन की रेशियो क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की रेशियो तो इट इज नाइन रेशियो सेवन ऐसे याद रखना हम साथ साथ है तो पूरक जीन कहती है हम साथ साथ है तभी हम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कुछ लास्ट में सेवन था नाइन रेशियो सेवन ठीक है उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री जीन्स ठीक है सप्लीमेंट्री जीन्स यू नो सप्लीमेंट्री जीन्स इज एक तरफा प्यार उसमें क्या होता है ए और बी जीन होती है ए और बी ए जो है वो ऐसी जीन है जो अकेले भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगी लेकिन जो बी है वो बेचारी ए के साथ ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी अदरवाइज उसका जीवन कोरा कागज है क्योंकि वो ए से प्यार करती है ना तो सप्लीमेंट्री जीन्स आर द जीन्स वेन आउट ऑफ टू जीन्स वन जीन कैन एक्सप्रेस इट सेल्फ इंडिविजुअली ऑल्सो है ना बट अनदर जीन कैन नॉट शो इट इट इज इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ठीक है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती ऐसा होता है ठीक है इसका जो रेशियो होता है वो होता है नाइन रेशियो थ्री रेशियो फोर ठीक है इसके बाद है आपकी डुप्लीकेट डुप्लीकेट जीन्स जो आपकी डुप्लीकेट जीन्स होती हैं तो सभी ने रोबोट मूवी देखी है उसमें ना एक ऑरिजिनल होता है बाकी इतने सारे लास्ट में वो रोबोट नहीं आ जाते कॉपी कॉपी वो समझ नहीं आता इतने सारे सारे बन जाते हैं है ना तो सिर्फ एक जो है वो ओरिजिनल होता है एक बाकी पंद्रह जो है वो क्या होते हैं डुप्लीकेट होते हैं तो जहां पर रेशियो वन होगा फिफ्टीन रेशियो वन वो है आपका डुप्लीकेट जीन एक्शन ठीक है उसके बाद आती है इनहिबिट्री जीन उसके बाद आता है जीन्स तो इसको याद रखोगे इनहिबिट्री और थ्री ठीक है इनहिबिट्री और थ्री थ्री रेशियो थ्री और एक वन लगा दो थर्टीन रेशियो थ्री जो है वो आपकी इनहिबिटरी जीन एक्शन का रेशियो है ओके okay? तो ये सारी रेशियो जो पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी है इनको आराम से कर लेना ओके okay, जी इसके अलावा एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो है थ्री रेशियो वन कंप्लीट में थ्री रेशियो वन और वन रेशियो टू रेशियो वन जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है जहां पे दो करेक्टर्स की बात होती है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल हाँ इसका जो रेशियो होता है वो नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन होता है ठीक है ये सारी चीजें याद रखना अगला सवाल है वेन बोथ द एलील्स को डोम ये हम कर चुके हैं छोड़ो ये भी हम कर चुके हैं कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस अहले ने दिया था यस uh, yes. अब ये टॉपिक है मल्टीपल एलिज्म का ठीक है और ये टॉपिक आपका जो बी का सिलेबस है जिसमें आता है आपकी एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ है ना जो एक लॉ थे एंड इट्स मैं तो ये एक्सेप्शन में आता है मल्टीपल एलिज्म तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है तो आपको एक जीन में सिर्फ दो ही एलील्स होती है नॉर्मली एक जीन में दो एलील्स होती है दो युग्म वैकल्पिक होते हैं वैकल्पी होते हैं लेकिन बाई चांस अगर दो से ज्यादा हो जाते हैं उस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलियलिज्म तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में भी मल्टीपल एलियलिज्म होता है आप पढ़ते हो कि S1, S2, S3, S4 बहुत सारी एलील्स होती है तो ये मल्टीपल एलियजम का एग्जाम्पल है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कलर ऑफ रैबिट ये भी मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप ये भी मल्टीपल एलिलिज्म का ही एग्जाम्पल है लेकिन जो सीड कर्नल कलर है वीट में वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है यानी ये मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है यहां पर एलील की बात नहीं होती है यहां पर एक से ज्यादा जीन्स की बात होती है यहां पर बहुत सारी जीन्स जो है वो जीन्स जो है मैनी जीन्स मैनी जीन्स वो मिलकर कंट्रोल कर रही हैं, मैनी एलील्स नहीं कर रही हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बिल्कुल बहुत सारी एलील्स होती हैं, तीस से पचास एलील होती है इसके अंदर ये भी और ये भी कौन सा नहीं है डी नहीं है आ गया समझ में बस तो खत्म करें इसको यहीं पे बाकी आपका मैं एक दो चीजें और बता देती हूँ प्लीज जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है है ना ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसपे आप अभी हो ओके यहां पर अगर ये आप सेशन देख रहे हो मेरा यहां पर अगर आप लाइव तो क्या अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिखेगा प्लेलिस्ट सेक्शन इन्होंने एक में ही डाल दिया है चलो छोड़ो अब लाइव सेक्शन में देख लो लाइव सेक्शन में दिखाती हूँ लाइव सेक्शन में ना आपको दिखेगा ये ये दिख रहा है रेड रेड दिस रेड रेड ये है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का थ्योरी और एमसीक्यूज क्लासेस यहां पर लगातार मैं जेनेटिक्स के और एंटोमोलॉजी के जो हैं और भी क्वेश्चंस करवाती रहूंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाते हैं नहीं मतलब मैं तो पूरी जिंदगी कराऊंगी छह बजे आप मुझे इस चैनल पर जब भी एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का चैनल आप ओपन करोगे छह बजे आपको मैं लाइव दिख जाऊंगी ठीक है तो आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी के और भी क्वेश्चंस जैसे अभी मैं जितने करवा सकती थी टाइम हो गया है तो मैंने करवा दिए अब आपको और भी क्वेश्चन करने हैं नए नए तो आपको जो है छः बजे लाइव जुड़ना है आज में भी अगर मेरी तबीयत ठीक रही क्योंकि मैंने अभी पेड क्लासेस भी लेनी है लगातार तो मैं छ बजे मिल जाऊंगी नहीं तो कल तो छः बजे आपको मैं मिल ही जाऊंगी इस चैनल पर ठीक है तो कल मिलते हैं और डेली मिलते रहेंगे जिसको भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और उसको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप क्या कर सकते हो छे बजे जुड़ सकते हो एक और बात बताती हूं यहां पे सीड साइंस के क्वेश्चंस मैंने नहीं लाए थे तो सीड साइंस भी आपको बजे शाम को इस चैनल पर मिल जाएगा डेली ठीक है तो कल मैं सबसे पहले सीड साइंस के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी कल आप सबको छह बजे आना है इसी चैनल पर अलार्म रख लो नोटिस कर लो सब कुछ कर लो ठीक है अब ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी कहां पर मिलेगी ये पीडीएफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है जैसे ही इंस्टॉल करते हो लॉग इन कर लेते हो वहां पर आपको एग्रीकल्चर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है ठीक है एप्लीकेशन में जब आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लोगे सबसे पहले होम आएगा फिर कम्युनिटी आएगा ठीक है तो जो कम्युनिटी है आपकी उस कम्युनिटी में है एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम वहां पर मैं शेयर कर दूंगी दूसरी चीज जो भी पेड बैच के बच्चे हैं उनको तो मैं जो भी आपका आज का क्लास रहेगा उसके साथ ही पीडीएफ में दे दूंगी दो पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं पहली आज की क्लास की रहेगी दूसरी में मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी और सारी पीडीएफ में अपलोड करती हुई आ रही हूँ आपके लिए तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ क्यूज ठीक है चलिए तो कहाँ मिलेगी कम्युनिटी ग्रुप में मिलेगी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ओके इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ना है तो इस वक्त 80 परसेंट ऑफ है 80 प्रतिशत का ऑफर है तो आपको करना क्या है अगर आप किसी भी पेड बैच में जुड़ना चाहते हो और कौन कौन से पेड बैचेस अवेलेबल हैं वो देखना चाहते हो कभी भी आज लोगे तो बेटर है क्योंकि 80 परसेंट ऑफ है तो गूगल पे जाना है अड्डा लिखना है जैसे ही अड्डा आप लिख लेते हैं आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे जाना है ऑल कोर्सेज पे जब आप चले गए इस तरफ आएगा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स रेड रेड इसके नीचे आपको एग्रीकल्चर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जैसे ही आप एग्रीकल्चर कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे ए का बैच है बी का बैच है एन का बैच है नबार्ड का बैच है टी का बैच है एमएससी एंट्रेस यूपी कैटेट ए डी अगर एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हो ठीक है तो दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन दैट इज एग्रीकल्चर महापैक एग्रीकल्चर महापैक आपको 80 परसेंट ऑफ पे इस वक्त मिलेगा ठीक है ओके सो यहां पर यहां पर आपको क्या करना है बाय नाउ करना है बाय नाउ करने के बाद जो आपको 80 परसेंट डिस्काउंट दिलाएगा दैट इज वाई सेवन एट वन एवन एट वन ए इस कोड को आप किसी भी बैच में एनरोल करते टाइम अप्लाई करोगे आपको यहां पर 80 का डिस्काउंट मिलेगा एग्रीकल्चर महापैक में आपको कोई भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं एफ ओ नाबार्ड इफको क्रिपको जो भी आने वाले भी हैं वो सब क्लासेस मिलती रहेंगी बस इसमें नेट जे आर एफ सी नहीं होगा जो रिसर्च वाले होते हैं आपको चाहिए भी नहीं है ना और ओके okay. फाइन इसके बाद आपके लिए एक और चीज है अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है तो एग्जाम तक आपको एग्जाम तक जितना एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो जितना जो है आगे प्रैक्टिस uh, कर सकते हो क्वेश्चंस को वो आप कर सकते हो बिहार बीए और एसडीओ की टेस्ट सीरीज के साथ ठीक है तो यहां पर आप नीचे नीचे जाएंगे ठीक है दिस इज टेस्ट सीरीज थर्टी प्लस टेस्ट है यहां पर तो यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर बाय नाउ करेंगे बिहार बीएओ की टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है वाई सेवन एट वन एस और आपको मात्र एक सौ पचानवे रुपए में ये मिल जाएगी थर्टी प्लस टेस्ट इसमें मिलेंगे बस आपको ये वाला कोड अप्लाई करना है ताकि आपका जो है थर्टी प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाए एक सौ पचानवे रुपए में ठीक है सो दैट्स इट कल का ओके हाँ सिक्स पी एम पे डेली में आपको लाइव मिलूंगी ओके <coughs> okay? सो so, लिए इंफॉर्मेशन थी जो भी पूछ रहा था टीए का बैच कितने का मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी ए है सेम प्रोसीजर रहेगा भाई ये है न्यू बैच यहाँ पे क्लिक करेंगे यहां पर वाई सेवन एट वन ए का इस्तेमाल करेंगे बैच के लिए ए तो आपको जो है वाई सेवन एट वन ए ठीक है तो थोड़ा सा बैच का प्राइस बढ़ गया यार ठीक है ट्वेल्व हंड्रेड का हो गया ठीक है और भी ना बढ़ा दे जैसे जैसे टी की डेट पास आ रही है वी कॉन्ट डू एनी ऑल वहाँ से हो रहा है बट हाँ ठीक है जितने जल्दी हो सकता है एटी परसेंट डिस्काउंट पे ले लो ठीक है ऑफर नेक्स्ट पता नहीं कब आएगा सो दैट्स इट ओके सो बाय बाय टेक केयर हैवे नाइस डे अच्छे से पढ़ना और एग्जाम क्रैक करके आना और आई एल वेट फॉर यू सिक्स पीएम पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम ओके सो बाय बाय जो भी डाउट है आशुतोष आप 6 बजे मिलके पूछ सकते हैं ओके तो 6 बजे मिलते हैं ओके बाय बाय